मैं हूं और आज मैं अपने सभी क्लास ट्वेल्थ के प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आई हूं ना भिक चैप्टर का वन शॉर्ट जिसमें आज एक ही सेशन में हम पूरा चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट पढ़ लेने वाले हैं और मैं आपको सारी चीजें आपको इस चैप्टर के इस लेक्चर में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ते समय किस चीज को आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान देके पढ़ना है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है परमाणु यानी कि एटम चैप्टर जो पढ़ा है बिल्कुल वहां जो खोज हुई उस खोज से ही आ, मतलब जो निष्कर्ष निकले जहां हमने नाभिक के बारे में पहली बार सुना था रदर के परमाणु रदर का जो हम लोगों ने परमाणु मॉडल का जो प्रयोग हम लोगों ने देखा था ठीक है जहां पर हम लोगों ने परमाणु के संरचना के बारे में समझा था वहां से हमको नाभिक के बारे में जानकारी मिली थी और बिल्कुल उसी पॉइंट से ये आपका चैप्टर जो है शुरू होगा और देखेंगे हम सारी चीजें बिल्कुल कहानी वहीं से शुरू करेंगे और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं लेकिन आप सभी को उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि इस वीडियो के लिंक अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करना है इंस्टा व्हाट्सएप टेलीग्राम हर जगह सारे दोस्तों को शेयर कर देना है बुला लो फटाफट से इस वीडियो में उनको ज्वाइन करा लो और अगर कोई बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है क्योंकि हम टीचर्स की टीम लगातार आपके लिए लेकर के आ रही है बहुत सारे बेहतरीन वन वीडियोस जिसमें आपको बहुत 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 ही ही सरल सरल ढंग से अंदाज में सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाती है आपको बेलाइकॉन हिट करना नहीं भूलना है बढ़ते हैं आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने वाले हैं तो नाभिक के बारे में नाभिक के आकार और नाभिक के आकार के बारे में जाने के बाद समस्थानिक संभारिक और सम थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि क्या हम केमिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं तो नहीं बेटा आप फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं लेकिन कुछ केमिस्ट्री के पार्ट्स भी आपको यहाँ पर कवर करने हैं पर आपको यहाँ इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे उनके डेरिवेशन पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है नाभिकीय बल रेडियो एक्टिवता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो नाभिकीय बल इसका इम, आपका डेफिनेशन या दो नंबर के दो या तीन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ सकते हैं तो उतना ही आप प्रिपेयर करना चाहो तो कर सकते हो रेडियो एक्टिवता इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियो रेडियो एक्टिव डिक से आपको जो है रेडियो एक्टिव छह जिसको हम बोलते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो आपका कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो आपको न्यूमारिकल वहां से देखने के लिए मिलेगा

जो है उस पर आधारित एक सिस्टम जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर जिसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में परमाणु बम हाइड्रोजन बम में क्या रिलेशन है क्या अंतर है ये हम समझेंगे जो कि नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन का जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे उन पर आधारित ये परमाणु बम और हाइड्रोजन बम बने हुए हैं और सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्त्रोत क्या होता है तो बिल्कुल ये जो नाभिकीय संलयन आप पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट पर ही आधारित ये टॉपिक जिसके बारे में आप समझेंगे बहुत ही क्विक हम जो है यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही अच्छे से सरलता से और आसानी से हम समझने वाले हैं शुरू करते हैं हमारा यह चैप्टर तो भाई आपने परमाणु चैप्टर में रदरफोर्ड का प्रयोग देखा जहां पर आपने परमाणु की संरचना के बारे में समझा जहाँ पर यह बताया गया परमाणु की संरचना के बारे में कि जो है परमाणु जो है परमाणु जो है 10 की घाट माइनस दस मीटर आकार का होता है और इसके अंदर वहां पर, पर रदर के जो प्रयोग है उसमें देखा गया कि कुछ कुछ जो हम वहां पर जो है आ, अल्फा किरणें जो डाल रहे थे वो बीच के कुछ हिस्से पे 180 डिग्री पर रिटर्न हो रहे थे जो कि ये प्रूफ कर रहा था कि बीच का जो छोटा सा हिस्सा है यहाँ पर जो है धन आवेश है। धन आवेश आवेश मौजूद है लगा रहे हैं घूम रहे हैं जिनको इलेक्ट्रॉन कहा गया और यहां पर बीच में धन आवेश के साथ साथ एक तरह के उदासीन कण भी पाए जाते हैं उन उदासीन कणों को जो है न्यूट्रॉन का नाम दिया गया इसका मतलब यहां पर जो है न्यूट्रॉन और धन आवेश को जो है प्रोटॉन का नाम दिया गया तो बीच का जो ये हिस्सा जहां से कि अल्फा अल्फाक जो है प्रतिकर्षित हो जा रहे थे वापस 180 डिग्री पर वापस चले जा रहे थे ठीक है तो ये जो छोटा सा हिस्सा है ये हिस्सा होता है 10 की घात माइनस पंद्रह मीटर का लगभग हिस्सा होता है जो कि अगर हम आ, मतलब मापन की जो है विधि इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मीटर में जो नाप रहे हैं इसको जो है हम एक फर्मी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा एक फर्मी जैसे कि यहाँ पर दस की घात माइनस मीटर जो

बढ़ते हैं और यहां पर जो मैंने आप लोगों को बहुत ही आ, मतलब सरल ढंग से समझाने की कोशिश करी शुरुआत करी हम लोगों ने के परमाणु मॉडल में जो उन्होंने प्रयोग किए ठीक है ठीके? वहां से शुरुआत करी तो यहां पर आप जो ये इमेज देख पा रहे हो ये बीच का जो छोटा हिस्सा ये जो है हमारा क्या है नाभिक और इसके पहले हम लोगों ने इस पूरे परमाणु के बारे में पढ़ा था लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को जो है केवल और केवल नाभिक के बारे में यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है प्रोटॉन जो है हमारा धनात्मक आवेश कण है और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन कण होते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रबलता से एक दूसरे से प्रबल बल के साथ बंधे होते हैं तो आप लोगों ने जो है बलों के बारे में पढ़ा होगा जब आप लोगों ने भौतिक जगत की शुरुआत करी होगी कक्षा ग्यारहवीं में जहां पर आप लोगों ने मूलभूत चार बल के प्रकार आप लोगों ने पढ़े होंगे ठीक है तो वहां पर आप लोगों ने प्रबल नाभिकीय बल के बारे में भी पढ़ा होगा तो ये जो नाभिक के अंदर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है यहां पर जो है प्रबल नाभिकीय बल होता है जो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा मजबूती से बांध कर रखता है ये अंदर के जो नाभिक में न्यूट्रॉन और यहां पर न्यूट्री और जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे से कभी अलग होते ही नहीं है और यही कारण होता है जो बार में आप लोगों ने और एक जगह में स्थानांतरित होते हैं पर कहीं पर भी आप लोगों ने प्रोटॉन के स्थानांतरण के बारे में नहीं पढ़ा क्योंकि ये नाभिक के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है बंधा होता है आगे बढ़ते हैं और नाभिक के यहां पर डेफिनेशन को हम समझते हैं कि रदर के अल्फा कण प्रकरण के प्रयोग से पता चला कि परमाणु का जो समस्त धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान कहां पर होता है ये जो बीच का हिस्सा आप देख पा रहे हो इस केंद्र पर होता है ये क्या है केंद्र है परमाणु का केंद्र क्या है ये परमाणु का केंद्र है और इस परमाणु के केंद्र को ही हम परमाणु के नाभिक के नाम से जान रहे हैं और ये वो ऐसा सूक्ष्म स्थान है जहां पर जो है परमाणु की जो संरचना है इसकी सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो कक्षाएं आप यहां पर देख रहे हो जो आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में काफी सारा पढ़ रखा है वो सारे के सारे यहां पर संकेंद्रीय वृत्त में घूम रहे मतलब सबका केंद्र यहाँ पर नाभिक के केंद्र के बीच में है और जो इस पूरे परमाणु का, सारा का, सारा 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 पर, पर आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है इसमें जो है आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है देखने के लिए मिलता है न्यूट्रॉन जो है उदासीन और प्रोटॉन जो है धनात्मक आवेशित कण होते हैं एक दूसरे से प्रबल प्रबल न्यूक्लियर फोर्स के साथ एक दूसरे से बंधे होते हैं और क्या गुण होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं कि प्रत्येक परमाणु का नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां पर जो नाभिक में प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन है उनको एक साथ मिलाकर के क्या कहा जाता है न्यूक्लियॉन कहा जाता है किसी विशेष नाभिक को क्या करते हैं हम एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं मान लो कि जैसे कि कोई किसी भी आ, मतलब कि पदार्थ का जो नाभिक है उसको जो है हमको प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर एक्स शब्द का जो है इस्तेमाल करते हैं इस चीज को हमको समझना है आगे बढ़ते हैं हम परमाणु क्रमांक को, को जैड अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन है है ना हाइड्रोजन है हीलियम है या कोई भी तत्व है ठीक है कोई भी तत्व है उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है तो उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है वही उसकी क्या होगी परमाणु क्रमांक होगी जिसको हम क्या करेंगे जैड अक्षर से प्रदर्शित करेंगे जब हम द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि उस तत्व में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित है और कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं उन दोनों का जो योग है वो क्या कहलाता है आपका द्रव्यमान संख्या जिसको हम क्या करते हैं ए से प्रदर्शित करते हैं

पर हम आगे बढ़ रहे हैं और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अभी देखो नाभिक की खोज कब हुई थी तो देखो सबसे पहले जो है परमाणु की खोज हुई रदर उसके बाद थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा जिसको करेक्ट किया रदर फोर्ट जी ने और उसको और करेक्ट किया बोर के परमाणु मॉडल ने जब परमाणु मॉडल की खोज हुई थी रदर फोर्डी के द्वारा तो जहां पर हम लोगों को पहली बार नाभिक के बारे में पता चला था उससे पहले हमको नाभिक के बारे में नहीं पता था नाभिक के बारे में जब हमको पता चला तो हमको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दो ही चीजों के बारे में हमको पता था फिर बाद में बाद में 1932 के आसपास जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई अब न्यूट्रॉन का पता कैसे चला? एक, होगा, एक और साथ ही साथ इसका द्रव्यमान भी द्रव्यमान संख्या भी क्या होगी? एक होगी इसका मतलब यह होता है कि इस हाइड्रोजन के तत्व में इस हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में जो है इस हाइड्रोजन के परमाणु के

जो है पता चला आगे चल के हमको पता चला एक उदासीन कण एक उदासीन कण है जिसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया और इन दोनों को मिला करके क्या कहा गया न्यूक्लिऑन इन दोनों को मिला करके न्यूक्लिऑन कहा गया ठीक है न्यूक्लॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिक्स करके एक नया शब्द हम लोगों को मिला न्यूक्लिऑन तो इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई और न्यूट्रॉन की खोज के बाद न्यूक्लिऑन शब्द के बारे में हम लोगों को जो है पता चला तो एक एक करके वन बाय वन सारे साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत करी और चीजें हम लोगों के लिए जो है पर खुलकर सामने आई और आज आप देख पा रहे हैं कि साइंस जो है कहां से कहा ग्रो कर चुकी है तो आप बच्चों को भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के साथ साथ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या पता में से कल को कोई एक बड़ा साइंटिस्ट बनकर हमारे सामने उभर कर आए बहुत खुशी होगी और बिल्कुल इस दिशा में आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए जिंदगी में कुछ करने के लिए कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए बढ़ते हैं आगे हम परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक की बात करते हैं ऑलरेडी मैंने इसकी थ्योरी आपको बता दिया है पर लेकिन आप यहां पर इसकी परिभाषा जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि आपका ये एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम में तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रोटोन के नाभिक में जब धन आवेश प्रदान करते हैं तो प्रोटोन व न्यूट्रॉन मिलकर के द्रव्यमान संख्या प्रदान करते हैं मतलब द्रव्यमान संख्या की हम लोगों ने बात की न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या मिलकर द्रव्यमान संख्या बनती है और इनकी कुल संख्या जो है परमाणु के द्रव्यमान के पूर्णांक के बराबर होती है ठीक है पूर्णांक के बराबर होगी जो कि क्या कहलाएगी परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाएगी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है कितने संख्या में वहां पर नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित है वो परमाणु क्रमांक कहलाते हैं और आवर्त सारणी आप जब पढ़ते हैं वहां पर किसी भी तत्व का जो स्थान है उसके परमाणु क्रमांक के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है जो आपने आवर्त सारणी और मेरे ख्याल से ट्वेल्थ के मेरे बच्चे इतने होशियार हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी आवर्त सारणी जो है रट रखी होगी और बिल्कुल आपके केमिस्ट्री के टीचर ने आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ जो है याद करवा दिया होगा है ना तो बिल्कुल बहुत ही आसान है परमाणु क्रमांक संख्या के आधार पर जो आपकी आवर्त सारणी होती है बढ़ते हैं आगे नाभिक के आकार की बात करते हैं तो बेटा नाभिक का आकार हमको कैसे पता चलता है तो नाभिक का आकार हमको पता चलता है कि जो हमने यहाँ पर द्रव्यमान संख्या की बात करी है ठीक है जो हमने क्या करी है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या की बात करी है इससे जो है हमको पता चलता है द्रव्यमान संख्या से जो इसका आयतन होता अच्छा है किसी भी परमाणु का जो आयतन होता है आयतन जो है उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है और परमाणु जो है गोले आकार का होता है तो आपको पता है कि गोलाकार गोलाकार वस्तु का जो आयतन है चार बटे तीन पाई आर क्यू इसके बराबर होता है अब क्योंकि इसका आयतन जो है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या के समान अनुपाती होता है इस रिलेशन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यह सूत्र निकल कर आता है जहां पर जो है आपको आ, इसकी त्रिज्या ज्ञात होती है जो यहां यहाँ पर परमाणु संख्या पर परमाणु की द्रव्यमान संख्या पर निर्भर कर रही है ठीक है? तो यह त्रिज्या की सहायता से गुणा, दस की घात माइनस पंद्रह मीटर के बराबर यहां पर दी गई है यह रिलेशन निकल कर आता है आगे बढ़ते हैं और नाभिक के आकार में जब हम नाभिक के घनत्व की बात करते हैं तो लगभग सारे नाभिकों का घनत्व जो है एक जैसा

क्या होता है तो समस्थानिक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोप ठीक है क्या कहते हैं आइसोटोप तो यहां पर जो प पा है, पा अक्षर जो है आ, पी जो है पी जो है यह प्रदर्शित करता है प्रोटॉन को ठीक है hey? आपको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूं पी अक्षर जो है प्रदर्शित करता है प्रोटॉन्स को ठीक है hey? जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो क्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है क्या होती है जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक के बराबर होती है ठीक है hey? तो जब हम समझ यानी कि आइसोटोप्स की बात करते हैं तो यहां पर आप समझे कि ये जो है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटोनों की संख्या समान हो किसकी संख्या समान हो तो नाभिकों में जो है प्रोटोनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी समान होगी और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी अलग होगी ठीक है तो ये क्या कहलाता है समस्थानिक कहलाते हैं अब यहां पर परमाणु क्रमांक को जेड अक्षर से और द्रव्यमान संख्या को हम ए अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जेड समान और यहां पर ए जो है क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वैसे काफी सारे एग्जाम्पल है आप हाइड्रोजन की बात करें हिलियम की बात करें ठीक है तो यहां पर जो है

तो पहला समस्थानिक आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन की संख्या शून्य यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है जब हम परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं परमाणु क्रमांक को और न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है न्यूट्रॉन की संख्या हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को द्रव्यमान संख्या मिलती है ठीक है तो अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए न्यूट्रॉन चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारी द्रव्यमान संख्या है उसमें से हम इस परमाणु क्रमांक को माइनस करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या का पता चल जाएगा कि न्यूट्रॉन की संख्या एक है ठीक अगर इसके लिए हम बात करें इस समस्थानिक के लिए बात करें तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या दो है ये जो है हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन परमाणु ये न्यूट्रॉन और ये टाइट्रॉन कहलाता है जो कि हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं और हम इसके बाद बात करेंगे संभारिक आइसोबार्स की बात करेंगे तो यहां पर संभारिक ठीक है तो यहां पर शब्द पता चल रहा है भार बार यानी भार भार की बात कर रहा है तो यहां पर बात कर रहा है भार की तो यहां पर जो विभिन्न प्रकार के हम तत्वों की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो है इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है ठीक है इनका जो भार है वो एक जैसा होगा मतलब कि यहां पर क्या हो जाएगा आपका ए जो है वो सेम रहेगा समान रहेगा ठीक है ए जो है वो क्या रहेगा समान रहेगा लेकिन जो है आपके न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है अलग अलग हो सकती है सॉरी आपके जो प्रोटॉन्स की संख्या है प्रोटोन या न्यूट्रॉन्स की संख्या उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है लेकिन कुल की संख्या समान होती है न्यूक्लियॉन्स की संख्या का मतलब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या से जो कि द्रव्यमान संख्या की बात कर रहा है मतलब कि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या सेम होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम होगी लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है अलग अलग हो सकती है और इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन ठीक है और पोटेशियम ठीक है दोनों का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो क्या होता है दोनों का ही द्रव्यमान संख्या चालीस होता है लेकिन आपको भी पता है है कि इनकी जो प्रोटॉन की संख्या है, वो अलग अलग होती है ठीक है तो ये हो गया आपका का example, और इसके बाद हम सम्यूट्रॉनिक की बात करते हैं ठीक है की बात करते हैं मतलब कि यहां पर जो है न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होगी क्या होगी यहां पर न्यूट्रॉन देखो शब्द से ही पता चल रहा है है, है ना? न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रॉन्स की बात करी जा रही है तो हिंदी का शब्द हो या अंग्रेजी का शब्द हो आपको यहां पर जो है एक हिंट कर दिया जा रहा है आपको रटने की जरूरत नहीं है कि यहां पर सब न्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन ना ना एंड फॉर न्यूट्रॉन की बात करी जा रही है कि न्यूट्रॉन की सं संख्या क्या होगी समान होगी लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या क्या होगी अलग-अलग अलग होगी इनको हम क्या कहते हैं सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं ठीक है ठीके? क्या कहते हैं इनको हम सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं अब यहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग-अलग है बेटा क्या है यहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग-अलग है अब न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग-अलग किसके किसके लिए होती है तो यहां पर आप देखेंगे अ सॉरी so, न्यूट्रॉन्स की संख्या समान प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है ठीक है तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं एक है आपका सोडियम ये आपका ग्यारह और तेईस ठीक है और यहां पर आप देखेंगे मैग्नीशियम जिसका आपका है बारह और चौबीस ठीक है तो यहां पर जब हम न्यूट्रॉन की संख्या की बात करते हैं तो तेईस माइनस ग्यारह बराबर कितना होगा आप कैलकुलेट करेंगे और कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे और यहां पर हम इसके लिए मैग्नीशियम के लिए अगर हम देखें यहां पर तो चौबीस माइनस बारह करेंगे कैलकुलेट देखेंगे क्या यहां पर दोनों के लिए ही न्यूट्रॉन्स की संख्या समान आ रही है यस और नो जल्दी से बताएंगे और ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये आपको एक नंबर और दो नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं थ्योरी पूछेगा डेफिनेशन पूछेगा यहां पर आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स ही याद रखने की जरूरत है बस और कुछ याद रखने

देखा नाभिक में आप लोगों ने देखा कि यहां पर जो है न्यूट्रॉन्स ठीक है क्या क्या होंगे यहां पर क्या क्या मिलेंगे आपको तो यहां पर आपको न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलेंगे अंदर में ठीक है अब ये अंदर में 10 की घात माइनस पंद्रह मीटर दूरी पर या फिर एक फर्मी में एक फर्मी में जो है अंदर सिमटे हैं ठीक है ये कभी फैल ही नहीं रहे हैं क्यों नहीं फैल रहे हैं क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है फिर से बता रही हूं कि यहां पर इन दोनों के मध्य न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन के मध्य परस्पर एक प्रबल नाभिकीय बल कार्यरत है कैसा का बल कार्यरत है प्रबल नाभिकीय बल कार्यरत है अब यह नाभिकीय बल इतना ज्यादा प्रबल है नाभिक बल इतना ज्यादा प्रबल है कि यह, यह क्या कर रहा है? एक दूसरे को बांध के रख रहा है ठीके? और, और तो यहां पर, पर क्या बना रहे हैं न्यूक्लियॉन बना रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बंधे हुए हैं क्या कहलाते हैं न्यूक्लियर फोर्स या फिर नाभिकीय बल कहलाते हैं न्यूक्लियर फोर्स या फिर नाभिकीय बल कहलाते हैं और यहाँ पर पर कोई भी विद्युत बल नहीं है ठीक है देखो दो आ, मतलब दो द्रव्यमान है पर यहां पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कोई भी विद्युत बल नहीं केवल और केवल नाभिकीय बल जिसकी बात हम लोगों ने भौतिक जगत के टॉपिक में जब चार मूलभूत बलों के बारे में जब पढ़ा था वहां पर जब हमने किया था बिल्कुल उसी तरीके से न्यूक्लियर बारे बारे फोर्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है और इतना सिमट के रखता है कि दस की घात माइनस मीटर मतलब बहुत ही छोटे से हिस्से में इनको जो है मतलब की संकेंद्रित करके रखता है क्या करके रखता है संकेंद्रित करके रखता है काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है बस इतनी सी बात आपको इस टॉपिक में याद रखनी है ध्यान में रखनी है ठीक है और इसके बाद यह भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो हम ज्यादातर जितना भी बल पढ़ा है है हम लोगों ने सारे सारे के 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 बल बल जो है, इनके दूरी के वर्ग के हुआ करते हैं पर नाभिकीय की भी बात करेंगे तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी तो है मतलब केंद्र से तो केंद्र के लिए नहीं ली जाती है ठीक है यहाँ पर जो है इस कण से कण की दूरी ली जाती है और कण से कण की दूरी तो मतलब की ना के बराबर ही अत्यधिक

ठीक है क्या रहता है स्टेबल रहता है इसकी स्टेबिलिटी इस नाभिकीय बल की नाभिकीय बल की वजह से नाभिकीय फोर्स की वजह से होती है ये जो छोटी छोटी बात मैं आपको थ्योरटिकल फॉर्म में बता रही हूं अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे तो वहां पर थ्योरी के रूप में आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसलिए आपको इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है और अपने शब्दों में नोट करना है ठीक है चलो अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिवता के बारे में ठीक है क्या बात करेंगे हम रेडियो एक्टिवता के बारे में बात करेंगे तो जो आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ा ठीक है उसमें आप लोगों ने बहुत से ऐसे प्रकार के तत्व पढ़े सभी नाभिकों के घनत्व के बारे में हम लोगों ने बात करी तो सबका लगभग जो घनत्व है हम लोगों को एक जैसा मिला ठीक है अब हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे आवर्त सारणी के कुछ तत्व ऐसे तत्व है कुछ तत्व ऐसे तत्व है जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं ठीक है क्या करते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं विकिरण हम उनमें देखते हैं ठीक है क्या देखते हैं हम उनमें विकिरण देखते हैं कि वो अगर उनको जो है विद्युत क्षेत्र के बीच में रखा जाए या फिर उनको चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाए ठीक है या फिर आ, मतलब कि Uh, मतलब कहना चाहिए कि किसी के साथ क्रिया ना भी करते हुए किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया ना भी करते हुए उनमें क्या देखा जाता है उनमें यह देखा जाता है कि कि uh, एक uh, कहना चाहिए कि बहुत ही असीमित असीमित मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन देखा जाता है और ये जो कहानी है ये जो घटना है यही रेडियो एक्टिवता कहलाती है और इसकी थ्योरी की हम बात करते हैं इसकी परिभाषा भी देखते हैं कि यहां पर अठारह में एक वैज्ञानिक का नाम बताया गया है बैकरल ठीक है इनके इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और जो आवर्त सारणी की मैं बात कर रही हूं तो सौ लास्ट -लास्ट पैंतीस होती है ठीक है यहां पर जो है इसके कुछ अदृश्य मतलब कुछ ऐसे लक्षण देखे गए ठीक है उसमें क्या हो रहा है कि कुछ अदृश्य विकिरण स्वतः ही हो रहा है जिसके कारण जो है वो विकिरण उत्सर्जित कर रहे हैं उत्सर्जित कर रहे हैं मतलब कि उनमें से क्या निकल रही है उत्सर्जन हो रहा है मतलब कि एनर्जी निकल रही है जो कि अपारदर्शी पदार्थों को, को वेधने की क्षमता रखता है अपारदर्शी पदार्थों को की क्षमता रखता है है मतलब कि अत्यंत अत्यंत उच्च उच्च मात्रा में, उच्च मात्रा में में एनर्जी का उत्सर्जन हो रहा है। और इस तरीके से अत्यंत उच्च मात्रा में ऐसी क्या घटना घट, घट जा रही है जिसकी वजह से इस एनर्जी का उत्सर्जन हो रहा है क्या इस ऊर्जा का कहीं पर प्रयोग किया जा सकता है इसके बारे में उन्होंने पता किया काफी सारे रिसर्च किए और रिसर्चों से क्या पता चला कि जो फोटोग्राफिक प्लेट को जो है, प्रभावित कर रहा है अपारदर्शी पदार्थों को वेधने की क्षमता है उसमें इन विकिरणों को क्या कहा गया बैकुरल अथवा रेडियो एक्टिव विकिरण कहा गया क्या कहा गया रेडियो एक्टिव विकिरण कहा गया इनको ठीक है तो और इनके प्रयोगों में क्या पाया गया कि ये जो गुण हम देख रहे हैं ये केवल और केवल अब इन्होंने पहले तो यूरेनियम तत्व के बारे में खोज करी पहले ये पता चला कि ये तो रेडियो एक्टिवता मतलब कि असीमित मात्रा में जो है ऊर्जा उत्सर्जन की जो हम बात कर रहे हैं ये जो है इन तत्वों में देखा जा रहा है वो केवल और केवल यूरेनियम तत्व ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे तत्व है उन तत्वों के बारे में जो आवर्त तो सारणी में आप पढ़ते हो उन तत्वों में से थोरियम पोलिनियम एक्टिनियम रेडियम रेडॉन आदि ऐसे सभी तत्व है जिसमें में जो है इस तरीके की भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन यानी कि रेडियो एक्टिव विकिरण जो है देखा जाता है क्या होता है इसकी परिभाषा यह है आपकी रेडियो एक्टिवता की परिभाषा कि किसी पदार्थ के नाभिक से स्वतः ही क्या उत्सर्जित हो विकिरण उत्सर्जित होते रहने की जो घटना है वो क्या कहलाती है रेडियो एक्टिवता कहलाती है और वे पदार्थ जिनके नाभिकों से स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होते हैं उन पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं इसका मतलब जो यूरेनियम की हम लोगों ने बात करी इस थोरियम की हमने जो बात करी और जितने भी पदार्थ की हम लोगों ने यहाँ पर बात करी ये सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं ये सारे के सारे पदार्थ यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ कहला रहे हैं जो कि स्वतः ही उनके नाभिक क्या कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में विकिरण की उत्सर्जित कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है ठीक है अब यहां पर और इस चीज को समझते हैं इसके गुणों को समझते हैं कि इन विकनों के उत्सर्जन पर पदार्थ के ताप और अन्य भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और यहां पर जो है केवल अस्थायी प्रकृति नाभिक अस्थायी प्रकृति के नाभिक ही इस गुण को दर्शाते हैं मतलब कि इसके पहले मैंने आप लोगों को नाभिक की स्टेबिलिटी की बात करी थी है ना नाभिक जो है स्टेबल रहते हैं पर यहां पर प्रकृति के नाभिकों की बात करी जा रही है मतलब जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे हैं वो सारे के सारे नाभिक उनके सारे के सारे नाभिक अस्थायी प्रकृति के हैं जो रेडियो सब... एक विशेष रेडियो ना... सक्रिय नाभिक है एक समय में केवल एक विशेष प्रकार के ही विकिरण दे सकते हैं एक समय में मतलब विभिन्न ताप और दाब की अवस्था पर ठीक है यहां पर वैसे आ, बात करी जा रही है रेडियो सक्रिय नाभिक की तो जो आ, मतलब कि जैसे यूरेनियम का रेडियो सक्रिय नाभिक है एक अवस्था में एक ही प्रकार का 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 देगा देगा दूसरी दूसरी अवस्था में प्रकार का देगा, रेडियो सक्रियता की जो खोज है वो साइंटिस्ट नाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है इसलिए उत्सर्जित विकिरणों को हम बैकुरल विकिरण भी कहते हैं या फिर रेडियो एक्टिव विकिरण भी कहते हैं और बाद में ठीक है क्यूरी साइंटिस्ट क्यूरी कपल है हस्बैंड वाइफ दोनों ही साइंटिस्ट है जिनका नाम मैरी क्यूरी और क्यूरी बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में मिलकर आगे चलकर काफी सारी चीजें जो है डिस्कवर करी मतलब की खोज करी पता लगाया इसके बारे में ठीक है तो ये सारी चीजें हमको पता चली जब हम आगे यहां पर रेडियो एक्टिव विकिरण की बात करते हैं तो देखो वैसे आप लोगों ने ट्वेल्थ में विद्युत और चुंबक दो चीजों के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा है तो यहां पर सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र के कारण इन रेडियो एक्टिव विकिरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे तो यहाँ पर 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 ये जो जो डायग्राम 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 है 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 इसको आपको ध्यान से समझना है। इस इस में में क्या दिया गया है? कि यहाँ पर, यहाँ पर इस में जो है एक ऋणात्मक प्लेट और एक धनात्मक प्लेट लगा दी गई है रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ पर है। रेडियो इस विद्युत क्षेत्र के बीच में जब रखा गया तो वहां पर यह देखा गया कि भाई विद्युत क्षेत्र के बीच में रखने पर यहां पर बिना कोई क्रिया कराए ठीक है बिना कोई केमिकल रिएक्शन कराए स्वतः ही यहां पर इस रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक से विभिन्न प्रकार के विकिरण यहां पर देखे गए तो यहां पर जो विकिरण देखे गए ये जो है अल्फा विकिरण ठीक है ये क्या है अल्फा विकिरण ये अल्फा विकिरण की जो दिशा है वो ऋणात्मक प्लेट की तरफ है क्योंकि अल्फा किरण जो होती है एक धनात्मक किरण होती है जो कि यहाँ ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होते हुए ऋणात्मक प्लेट की विद्युत क्षेत्र के बीच में ऋणात्मक प्लेट की दिशा यानी कि पीटू की दिशा की तरफ जा रही है और यहां पर देखा गया दूसरा विकिरण जिसको यहां पर क्या नाम दिया गया बीटा विकरण वीकिरन। बीटा विकरण जो कि एक ऋणात्मक किरण होती है अब ये ऋणात्मक है तो धनात्मक प्लेट की तरफ आकर्षित होते, होते, होते हुए यहां पर जो है धनात्मक पी वन प्लेट की तरफ जा रही है तीसरा यहां पर हम देख रहे हैं गामा विकिरण तो गामा विकिरण है ये ना तो धनात्मक प्लेट की तरफ जा रहा है ना तो ऋणात्मक प्लेट की तरफ जा रहा है बल्कि आप देख पा रहे हैं की प्लेटों के बीचों बीच भी सीधा जा रहा है गामा किरण जो है एक उदासीन कण होता है ठीक है एक उदासीन कण कन... जैसे कि अल्फा यहाँ पर धनात्मक है बीटा ऋणात्मक है गामा जो है उदासीन कण होता है अब ये उदासीन कण जब यहां विकिरण के रूप में जब निकल रहे हैं तो ये ना तो धनात्मक प्लेट ना तो ऋणात्मक प्लेट की तरफ जा रहे हैं वैसे अगर हम गामा किरण की बात करें गामा कण की बात करें तो तरंगों के रूप में जब हम विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं तो वहां पर हमने देखा है कि गामा किरणें निकलती हैं और

चुंबकीय क्षेत्र में जब आप किसी वेग से छोड़ते थे ठीक है तो वो जो है वृत्ताकार पथ में घूमता था या तो फिर आप लोगों ने आ, मतलब इस तरह से स्पाइरल पथ में भी आप लोगों ने हेली स्पाइरल पथ में भी आप लोगों ने देखा था यहां पर जो है ये कर्ण जो विकिरित होंगे उत्सर्जित होंगे ये जो है वृत्ताकार पथ में घूमेंगे बिल्कुल जैसे आप लोगों ने गतिमान आवेश और चुंबकत्व में देखा अल्फा और बीटा कर्ण जो है वृत्ताकार पथ में घूमेंगे और इनकी दिशा अलग अलग होगी यहाँ पर अल्फा कर्ण की दिशा इधर है बीटा कर्ण की दिशा इधर है और गामा जो है उदासीन कर्ण जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया तो आपने यहां पर देखा कि किस तरीके से रेडियो एक्टिव पदार्थ में रेडियो एक्टिव विकिरण हो रहे हैं और पर, पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में इनके प्रभावों को आप लोगों ने समझा है देखा है और हो रहे हैं, उनके गणों को को फिर भी हम एक क्विक यहाँ पर व्यू देख लेते हैं इसका कि क्या इसमें डिफरें होते हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है धनात्मक आवेश कण होता है अल्फा ठीक है धनात्मा कण इसकी प्रकृति अब यहां पर बीटा कण की त्मा आवेशित और गामा जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और उदासीन कण होता है ठीक है आवेश की बात करी जा रही है तो धनात्मक कण का आवेश यहां पर आपको बताया गया है ऋणात्मक कण का आवेश और अनावेशित कण का तो फिर कोई आवेश होगा ही नहीं है ना और द्रव्यमान की बात करी जा रही है यहां पर अल्फा कण का द्रव्यमान छह दशमलव छह गुणा दस की घात माइनस सत्ताइस बीटा कण का द्रव्यमान आपको जो है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही देखने के लिए मिल रहा है और वहां पर अल्फा कण का जो द्रव्यमान शून्य बताया गया है वेग बताया गया है ऊर्जा बताई गई है कि अल्फा कण में जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही कम होती है बीटा कण की ऊर्जा काफी अधिक होगी और गामा कण की गामा किरण की जो ऊर्जा है वो सर्वाधिक आपको यहां पर बताई गई है ठीक है आयनीकरण क्षमता की बात है तो सर्वाधिक आयनीकरण जो है आ, यहां पर अल्फा कण में हो रहा है बीटा कण का सौ गुना अगर बीटा कण में अधिक है पर यहां पर क्या है सर्वाधिक है बीटा कण में अधिक है और आयनीकरण और अल्फा कण में सर्वाधिक आयनीकरण अल्फा कण में देखा जाता है जो कि बीटा कण का भी सौ गुना है ठीक है अब यहां पर गामा किरण की, की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आयनीकरण सबसे ज्यादा कम देखा जाता है वेधन क्षमता की बात करते हैं क्योंकि हम लोगों ने जब रेडियो एक्टिवता के बारे में जब हमने समझा था तो जो रेडियो एक्टिव विकिरण हो रहे थे तो वहां

फोटो प्लेट्स की बात करी जा रही है फोटो प्लेट्स जो हम लोगों ने जो है आ, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो प्लेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ठीक है तो बिल्कुल हम वहां पर फोटोन के कणों के द्वारा ही हम इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को प्राप्त करते हैं चुंबकीय विद्युत क्षेत्र का प्रभाव यहां पर दिखाया गया है विक्षेपण बीटा कण की अपेक्षा कम और Uh, बीटा कण के विक्षेप के विपरीत दिशा में होता है अब यहाँ पर अल्फा कण की अपेक्षा अधिक और ऑफ कोर्स एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो दोनों की दिशाएं विपरीत होगी और ये जो है अविक्षेपित विक्षेप का मतलब क्या है कि जो है किस दिशा में जा रहा है देखो एक इस दिशा में जा रहा है एक इस दिशा में जा रहा है इस दिशा में जा रहा है इस दिशा में जा रहा है, है, है। विक्षेपण की बात करी गई है यहाँ पर कि बीटा कण की अपेक्षा कम होता है मतलब कि बीटा कण का विक्षेप अधिक होगा ठीक है और यहाँ पर अल्फा कण का विक्षेप क्या होगा कम होगा ठीक है लेकिन यहां पर गामा में तो विक्षेप होता ही नहीं है क्योंकि वो कहा जाता है सीधा जाता है तो ये हमने देखा अल्फा गामा अल्फा बीटा और गामा किरणों का आ, जो भी हम लोगों ने गुणों के बारे में समझा रेडियो एक्टिव क्षमता का नियम हम यहां पर देखेंगे सॉरी क्षयता के नियम की हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम क्या होता है यह एक बहुत ही अनियमित घटना है अब भाई क्या अनियमित घटना है देखते हैं यहां पर कि जब रदरफोर्ड या फिर सोडी ये दो वैज्ञानिकों के नाम यहां पर बताए गए जिन्होंने विभिन्न प्रकार के पदार्थों के क्षय का अध्ययन किया अब क्षय की बात हो जा रही है क्षय की बात हो जा रही है मतलब कि कुछ चीज तो ऐसी है जो यहाँ पर वेस्ट हो रही है कम हो रही है घट रही है है ना वो आपके यहाँ पर क्या कहलाएगा रेडियो एक्टिव क्षय और इस रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम को हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें क्या होता है कि जब किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव नाभिकों के विघटन की दर उस क्षण के उपस्थित कुल नाभिकों की संख्या के अनुत्क्रमानुपाती होती है विघटन की दर विघटन की दर ठीक है Uh, किसके समानुपाती होती है यहां पर विघटन की दर उस क्षण पर नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है नाभिकों की संख्या की हम बात करते हैं अब का मतलब क्या होता है कि जब भी इस तरीके से रेडियो एक्टिवता की जो घटना हमने देखी अगर ये रेडियो एक्टिवता की जो घटना हम देख रहे हैं ये घटना घट रही है ठीक है तो वहां पर उस रेडियो एक्टिव पदार्थ में उस रेडियो एक्टिव पदार्थ में जो नाभिकों की कुल संख्या है उसमें मतलब कुछ तो भी ऐसी कमी देखने के लिए मिलेगी वो किसके समानुपाती है वो कमी कैसे हमको पता चलेगा तो ये यहां से पता चलता है और इसके बारे में जब आप यहाँ पर ये जब आप देखते हैं तो जब समानुपाति का चिन्ह हटाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है एक लैम्डा जो है क्षयांक या फिर रेडियो एक्टिव नियतांक आपको यहाँ पर मिलता है माइनस डी एन बाई डी टी अब इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे काफी सारी चीजें आप करते हैं डेरिवेशन हम यहाँ पर जो है नहीं करेंगे अगर आप चाहते हैं कि डेरिवेशन करना है तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो डेरिवेशन आपने किया हुआ है आपको देखना है बुक में जब आप डेरिवेशन करेंगे तब आपको जो है एक रिलेशन यहां पर मिलेगा ठीक है जो कि नाभिकों की संख्या ठीक है नाभिकों की संख्या और यहां पर नाभिकों की संख्या ये नॉट और ये जो है आपको मिलेगा e की घात -lambda t ठीक है क्या मिलेगा आपको e की घात माइनसा टी ये समीकरण आपको मिलेगा जो काफी ज्यादा जा, इंपॉर्टेंट है ये रेडियो एक्टिव शहिता का समीकरण है अब इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है आगे हम अर्ध आयु और माध्य आयु जैसे शब्दों की बात करेंगे जो कि इस सूत्र पर निर्भर करेगा ठीक है तो वो भी आपको यहीं से जो है आपको समझना है सीखना है रेडियो एक्टिव क्ता का मतलब आपको समझना है कि जब भी रेडियो एक्टिव विकिरण जब हो रहा है इस समय पर एक अनियमित घटना देखी जाएगी जहां पर जो है जो नाभिकों का विघटन होगा है ना नाभिकों का जो विघटन होगा जैसे अल्फा बीटा और गामा किरण के रूप में जब वो विकृत विकिरण वहां पे हो रहा है विकिरण के समय में उनके द्रव्यमानों में कुछ कम मतलब कि वहां पर कुछ तो भी उन नाभिकों की नाभिकों के अंदर जो है कुछ कमी देखी जाएगी वो कमी वो क्षय कैसे निकलेगा वो नाभिकों की परमाणु की संख्या पर निर्भर करेगा नाभिकों की परमाणु की संख्या पर निर्भर करेगा और यहाँ पर यह गामा जो है ये आपका ये है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी जब भी आपको एग्जाम में अगर कैलकुलेशन करना होगा यहां पर आपको अगर रेडियो एक्टिव क्षय निकालना पड़ेगा तो वहां पर आपको जो है ये चीज दी जाएगी ठीक है तो ये आपका क्षयता का नियम हो गया अब ये जो क्षयता का नियम है यहां पर आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पर मान लो कि किसी भी आ, पदार्थ का किसी भी तत्व का रेडियो एक्टिव विकिरण हो रहा है जैसे कि यूरेनियम या थोरियम किसी भी तत्व का अगर मान लो कि यहाँ पर क्या हो रहा है रेडियो एक्टिव विकिरण अगर हो रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ का ठीक है तो जैसे जैसे यहाँ पर जो है आ, समय बढ़ता जाएगा क्या बढ़ता जाएगा जैसे जैसे यहाँ पर समय की दर जो है बढ़ती जाएगी ठीक है तो इनकी परमाणुओं की जो नाभिकों की जो, जो संख्या है स्टार्टिंग में प्रारंभ में जो नाभिकों की संख्या है प्रारंभ में एंड नॉट पर धीरे 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 इनके नाभिकों की संख्या क्या होती जाएगी धीरे-धीरे इनके जो नाभिक है, इन नाभिकों की संख्या घटती जाएगी क्या हो रही है यहां पर नाभिकों की संख्या समय के साथ कम हो रही है ठीक है कम हो रही है ठीक है अब इसको अगर निकालना है तो इसके लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो यहां पर जो टी समय है तो यहां पर समय पर निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है समय पर निर्भर करता है कि कितना यहां पर रेडियो एक्टिव क्षय हुआ है ठीक है समय पर निर्भर करेगा उसका सूत्र आपको बताया गया है अब इस पर ही आधारित आपको जो है किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु और माध्य आयु आपको निकालना है ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको एग्जाम में मिलता है न्यूमारिकल आपको इसके रिलेटेड पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है कि वह समय जिसमें अविघटित बचे नाभिकों की संख्या अपने हम, हम सूत्र की सहायता से ठीक है पर हमको कैसे पता चलेगी कि वहां पर जो नाभिकों की संख्या है वह क्या रह जाएगी जो नाभिकों की संख्या है मतलब की जो एन है एन की संख्या रह जाएगी अपनी प्रारंभिक संख्या

को की संख्या जब रखी ठीक है तो यहाँ पर जो है हाफ लाइफ मतलब अर्ध आयु हमको जब कैलकुलेट करनी है अर्ध आयु अर्ध आयु मिलेगी जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस नियतांक पर निर्भर कर रही है इस पर निर्भर कर रही है और इस लैमडा का मान अगर हमको उस पदार्थ के लिए उस लैमडा का मान अगर हमको पता है तो वहां से हम अर्ध आयु जो है कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे एग्जाम में जब न्यूमारिकल क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस फॉर्मूले की सहायता से जो है आपको प्रारंभिक परमाणु संख्या आपको दी होगी आपको लेमडा का मान दिया होगा और आपको यहां से जो है कैलकुलेट करना होगा किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु आगे बढ़ते हैं माध्य आयु यानी कि एवरेज लाइफ या फिर औसत आयु की हम बात करते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए औसत आयु क्या होती है तो हमने जो है पूर्ण क्षय होने पर जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के पूर्ण क्षय होने पर अनंत समय लगता है पूर्ण क्षय होने पर अनंत समय लगता है मतलब कि ये जो ग्राफ हमने देखा था यहां पर ये जो ग्राफ हमें देखा था तो यहाँ पर पूर्ण रूप से क्षय होने के लिए मतलब कि परमाणु सॉरी नाभिकों की संख्या जो है खत्म होने के लिए नाभिकों की संख्या बिल्कुल खत्म होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है क्या लगता है बहुत ज्यादा जो है समय लगता है अनंत समय लगता है ठीक है तो लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाभिकों का जो क्षय है वो लगातार जो है होता रहता है अलग अलग नाभिकों की आयु अलग अलग होती है यूरेनियम की अलग होगी थोरियम की अलग होगी प्लूटोनियम की अलग होगी सबकी अलग अलग होगी किसी नाभिक की आयु कुछ क्षण से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकती है ठीक है इसीलिए हमको क्या निकालना पड़ता है इसीलिए हमको उनका माध्य निकालना पड़ता है और जब भी हम उनकी एवरेज लाइफ यानी कि किसी भी रेडियो धर, रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे तो वह जो है उसके सभी नाभिकों की जो आयु है सभी नाभिकों की आयु का योगफल सभी नाभिकों के आयु का योगफल और नाभिकों की कुल संख्या के अनुपात के बराबर होता है औसत आयु यहां पर सूत्र लिखा हुआ है आप देख सकते हैं औसत आयु का सूत्र लिखा हुआ है औसत या फिर माध्य आयु किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत या फिर माध्य आयु जो है उसके सभी नाभिकों की आयु का जो योग है बटे में बटे में हम देखेंगे जो नाभिकों की कुल संख्या है इनके अनुपात के बराबर होगा और इनका अनुपात जब कैलकुलेट किया जाता है तो इनके अनुपात को जो है टाऊ अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है टाऊ अक्षर से जो रिप्रेजेंट किया जाता है सॉल्व किया जाता है तो हमको रिलेशन मिलता है कि जो इनका माध्य आयु यानी कि इनका जो योग और कुल संख्या का जो अनुपात है वो एक बटे लैमडा एक बटे लैमडा लैमडा के बारे में अभी हमने पढ़ा क्या है कि जो छयांक या फिर हमारा जो नियतांक है रेडियो एक्टिव नियतांक है ना उसके इनवर्स के बराबर होगा ठीक है अब यहाँ से ये जो दो रिलेशन मिला है इसके पहले हम लोगों को क्या मिला था ये मिला था है ना यहाँ पर क्या है आपका शून्य दशमलव छः नौ तीन बटे जो लैमडा है अगर एक बटे लैमडा अगर हम लिखे तो यहाँ पर माध्य आयु से अगर इसको रिलेट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शून्य दशमलव छः नौ तीन हो जाएगा तो यहां पर आप माध्य आयु से रिलेशन दे सकते हैं अर्ध आयु का अर्ध आयु का और माध्य आयु का रिलेशन आप यहां पर संबंध आप देख सकते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति के बारे में बेटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मास द्रव्यमान क्षति क्या होता है ये मैं आपको बता रही हूं कि देखो अब यहां पर बात करी जा रही है कि द्रव्यमान में क्षति की मतलब कि यहाँ पर जो किसी भी तत्व का द्रव्यमान है उसमें कुछ ना कुछ कमी देखी जाती है ठीक है जिसको हम यहाँ पर द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट कहते हैं अब ये कभी कब कभ देखी जाती है जब हमने नाभिक की बात करी ठीक है जब हम लोगों ने किसकी बात करी नाभिकों की बात करी तो हम लोगों ने देखा कि ये जो नाभिक है इन नाभिकों में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर ये नाभिक बना हुआ है जिसको हम न्यूक्लॉन कहते हैं न्यूक्लियॉन कहते हैं अब ये न्यूक्लियॉन जो है ठीक है ये जो न्यूक् न्यूक्लियन जो है वो मतलब कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है ठीक है इन न्यूक्लियॉनो के द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कि इनका जो द्रव्यमान है द्रव्यमान संख्या की हमने बात करी थी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है बराबर होता है लेकिन लेकिन जैसे कि मान लो कि यहां पर मान लो कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि यहां पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 1 है दोनों का द्रव्यमान अगर 1 है और जब हम इनको जोड़ेंगे एक प्लस एक होना कितना चाहिए दो लेकिन 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 क्या होता है एक्चुअल में एक्चुअल में ये दो नहीं होगा दो नहीं होगा ये हो सकता है कि एक दशमलव नौ नौ हो या फिर एक दशमलव नौ आठ हो लेकिन दो के बराबर नहीं होगा लगभग दो के बराबर होगा लेकिन एग्जेक्टली दो के बराबर नहीं होगा मतलब कि जब यहाँ पर दो कण आपस में जुड़ रहे हैं दो कण आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनके द्रव्यमान में क्या देखी जा रही है इनके द्रव्यमान में कमी देखी जा रही है द्रव्यमान में क्या देखी जा रही है कमी देखी जा रही है यह कमी कितनी भी कम हो सकती है लेकिन कमी होगी मतलब यहां पर द्रव्यमान कहीं तो जा रहा है कहा जा रहा है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान में कमी देखी जा रही है यही द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट कहलाता है इसका परिभाषा हम देखते हैं कि जब न्यूक्लियॉन मिलकर क्या बनाते हैं न्यूक्लियॉन मिलकर जब नाभिक बनाते हैं तो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वास्तविक द्रव्यमान होता है उनके अव्यवनों के द्रव्यमानों के योग योग से, इनके योग से सदैव क्या होगा कम होगा थोड़ा कम थो, मतलब कि इनके योग से क्या होगा थोड़ा कम होगा क्या होगा इनके योग से आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो है ये थोड़ा कम है ठीक है योग से थोड़ा कम होगा और ये जो अंतर है द्रव्यमान में ये जो अंतर हो रहा है दो आना चाहिए लेकिन एक दशमलव नौ नौ या एक दशमलव नौ आठ आया यही द्रव्यमान क्षति कहलाती है क्या कहलाती है द्रव्यमान क्षति अब इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो जो न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान है ठीक है माइनस जो नाभिक का द्रव्यमान है ठीक है जो न्यूक्लियॉनो का द्रव्यमान है ठीक है और जो नाभिक का द्रव्यमान है मतलब नाभिक जो है वास्तविक द्रव्यमान वास्तविक जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के लिए हमने माना कि एक दशमलव नौ नौ मिला और यहां पर न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान क्या है दो है ठीक है 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 तो तो पर पर कमी 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 कितनी 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 हो 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 गई 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 जो एक यही द्रव्यमान क्षति और यही फॉर्मूला को जो है यहाँ पर आपको लिखकर बताया गया है ये जो डेल्टा एम आपके लिए लिखा गया है ये जो है द्रव्यमान में कमी या फिर द्रव्यमान में क्षति को प्रदर्शित कर रहा है ठीक है द्रव्यमान क्षति अगर और कैसे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप यहां पर सूत्र देख सकते हो कि द्रव्यमान क्षति कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब कि जेड अक्षर से हम प्रोटॉन के द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं एक प्रोटॉन का द्रव्यमान सॉरी प्रोटॉन का द्रव्यमान यहां पर एमपी की बात करी जा रही है प्रोटॉनों की संख्या को हम जेड अक्षर से प्रदर्शित करते हैं एमपी का मतलब यहां पर प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया ठीक है न्यूट्रॉनों की संख्या ठीक किसकी संख्या की बात करी जा रही है न्यूट्रॉनों की संख्या तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटोनों की संख्या क्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या वैसे तो बराबर होती है लेकिन जब समस्थानिकों की बात करें तो अलग अलग भी हो सकती है तो इसीलिए हम क्या करते हैं द्रव्यमान संख्या से जो है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या से हम प्रोटोनों की संख्या को घटा देते हैं द्रव्यमान संख्या से प्रोटोनों की संख्या को घटा देते हैं तो हम लोगों को न्यूट्रॉनों की संख्या मिलती है और यहाँ पर एम का मतलब जो है न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से है और ये

अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बहुत अच्छी बात है फटाफट से आगे बढ़ते हैं बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के बाद करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ठीक है मास एनर्जी रिलेशन जब हम मास एनर्जी रिलेशन की बात करते हैं तो आइंस्टीन जी का नाम आपको जरूर याद आना ही चाहिए आना ही चाहिए आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत ने ही जो है यहाँ पर द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का रिलेशन जो है प्रूव किया था E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर काफी प्रसिद्ध फॉर्मूला आइंस्टीन जी का ठीक है अब जब आइंस्टीन जी ने यह नहीं सिद्ध किया था इसके पहले क्या माना जाता था कि मान लो कि कोई भी तत्व है ठीक है कोई भी तत्व है उनके तत्वों में जो द्रव्यमान और ऊर्जा है वो अलग अलग है अलग अलग दो अलग अलग चीजें उनको समझा जाता था ठीक है मतलब वही समझ के आगे बढ़ते चले गए हम लेकिन जब आइंस्टीन जी आए तो उन्होंने जो है ये समझा उन्होंने ये समझा कि जब भी जब भी द्रव्यमान में कमी आ रही है जब भी द्रव्यमान में कमी आ रही है तो वो द्रव्यमान में जो कमी आ रही है वो कहाँ जा रही है वो जो द्रव्यमान में कमी अभी हम लोगों ने जो मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ा ये द्रव्यमान में जो कमी आई ये शून्य दशमलव शून्य एक जो द्रव्यमान में कमी आई वो कहा जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं तो जा रही है ठीक है तो हम लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा तो पहले ऊर्जा संरक्षण के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अलग अलग समझा गया लेकिन बाद में ये समझा गया कि जो मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान में हम लोगों को जो क्षय मिला वो जो कमी हुई वो जो है ऊर्जा के रूप में बदलती है किसके रूप में बदलती है ऊर्जा के रूप में बदलती है किसके रूप में बदलती है ऊर्जा के रूप में बदलती है ये हम लोगों को जब हमने आगे चल करके नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में देखा तो वहां पर लगातार हमको बहुत सारे इसके प्रूफ मिलते गए ठीक है और ये जो है हमको संबंध जो है मिलता है इसके लिए हम लोगों ने आइंस्टीन जी के सापेक्षता सिद्धांत को ही हम लोगों ने बेस लिया और उसके द्वारा ही हम लोगों को यहां पर जो हमारे द्रव्यमान में कमी आ रही थी वो द्रव्यमान किसके रूप में बदल रही थी तो वो द्रव्यमान जो है ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही थी मतलब कि यहाँ पर द्रव्यमान ही ऊर्जा है ऊर्जा ही द्रव्यमान है द्रव्यमान द्रव्यमान ही उर्जा है। उर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा है है एक दूसरे से संबंधित है इनके संरक्षण के नियम की बात करें तो वो भी यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित होंगे अब यहां पर इन्होंने सिद्ध किया कि देखो यहां पर देखो इनके सापेक्षता के सिद्धांत में ये बताया कि जो मतलब द्रव्य द्रव्यमान जो है परिवर्तित रूपांतरित जब होता है ऊर्जा के रूप में तो वो कैसे रूपांतरित होगा तो जितना भी द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो रहा है इसका गुणा हम क्या करेंगे जो प्रकाश प्रकाश की गति है उसके वर्ग से है ना प्रकाश E बराबर एम स्क्वायर की यहां पर बात करी जा रही है तो ये जो है मान लो कि द्रव्यमान कुछ भी हो यहां पर प्रकाश की गति तीन गुणा दस की घात आठ की पूरे की घात दो हमको पता है ठीक है तो ये जो है इतनी ऊर्जा के रूप में जो है उसका द्रव्यमान जब परिवर्तित होगा तो इस तरह से इस रिलेशन से सापेक्षता सिद्धांत के इस रिलेशन से ऊर्जा के रूप में जो है परिवर्तित होगा और जो हमने इसके पहले द्रव्यमान क्षति की बात करी यहाँ पर तो ये जो शून्य दसमलव शून्य एक एग्जाम्पल लेकर के जो मैंने आपको समझाया ये जो है, है यहाँ पर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगा इस रिलेशन से ही इस रिलेशन से ही यहाँ पर जो डेल्टा एम है वो क्या है द्रव्यमान की क्षति है इस द्रव्यमान की मात्रा जो जो द्रव्यमान की 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 मात्रा है इसको हम के, प्रकाश की गति, प्रकाश प्रकाश के के गति चाल वर्ग से जब इसका गुणा हम कर रहे हैं तो हमको प्राप्त हो रहा है कि यहां पर जो है ये किस तरीके से ऊर्जा के रूप में क्या हो रही है ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो रही है किसके रूप में रूपांतरित हो रही है ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो रही है ठीक है अब जब यहाँ पर ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो रही है ये हमको संबंध संबंध मिल मिल गया द्रव्यमान मिल गया द्रव्यमान ऊर्जा का ठीक है अब यहाँ पर जो सी है वो प्रकाश की चाल आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं ये हमने तो पता है डिस्कस कर लिया है इस संबंध के अनुसार जो एक ग्राम द्रव्यमान है ठीक है अब द्रव्यमान का मात्रक हम ग्राम किलोग्राम में हम समझते हैं तो यहाँ पर जब ऊर्जा की बात करते हैं तो एक ग्राम द्रव्यमान मतलब कि इस द्रव्यमान के जगह में अगर मैं एक ग्राम रखूं और इसका गुणा करूं तीन गुणा दस की घात आठ की घात से है ना तो ये मेरे को जूल के रूप में परिवर्तित मतलब ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर के मिलेगा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल जूल के रूप में परिवर्तित होकर मिलेगा नौ गुणा दस की घात तेरा क्या मिलेगा नौ गुणा दस की घात तेरा ठीक है अब हम यहां पर नाभिकों नाभिक और परमाणुओं की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं ठीक है नाभिक और परमाणुओं की बात कर रहे हैं ए एम यू शब्द से मतलब यहां पर अटोमिक मास यूनिट की है अटोमिक मास यूनिट एक अटोमिक मास यूनिट एक अटोमिक मास यूनिट में जो है ऊर्जा कितनी होती है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है अब ये कैसे निकलती है तो यहाँ पर एक अटोमिक मास यूनिट में जो है यहाँ पर कितनी द्रव्यमान की मात्रा है उस द्रव्यमान की मात्रा जो है उसको जो है प्रकाश की चाल के वर्ग से यहाँ पर गुणा करने पर जो है ह, हमको यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होगी जूल के रूप में ऊर्जा प्राप्त होगी जूल के रूप में जिसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में तो ऊर्जा जो प्राप्त होती है ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसमें जो है अगर हम इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे दे एक दशमलव छह गुना दस की घात माइनस उन्नीस का जब भाग दे दे तो यहां पर ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल से, जूल से किस में कन्वर्ट हो जाती है? जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है उसी तरीके से यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में इसको जब कन्वर्ट किया तो यहां पर हमको नौ सौ इकतीस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ए, ए एम यू के बराबर हमको मिला एक अटोमिक मास यूनिट के हमको बराबर मिला और जब भी हम यहां पर नाभिक नाभिकीय की जब आगे चल के हम बात करेंगे तो हम वहां पर ऊर्जा को ए एम यू या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में जो है कैलकुलेट करेंगे तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो है इस मात्रक के बारे में समझा और द्रव्यमान ऊर्जा के बीच संबंध को हम लोगों ने देखा अब द्रव्यमान ऊर्जा के बीच के संबंध इन ये देखो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ठीक है सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से क्या कर रहे हैं रिलेट कर रहे हैं क्योंकि हमने सबसे पहले द्रव्यमान क्षति की बात करी उसके बाद हम लोगों ने जो क्षति हो रही है उसको कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होगा द्रव्यमान ऊर्जा ऊर्जा संबंध से हमको पता चला अब जब हम बंधन यानी कि बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं तो यहां पर जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है न्यूक्लियॉन्स जो है नाभिक से मिलकर बने होते हैं नाभिक में क्या होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कॉम्बिनेशन को ही हम न्यूक्लियॉन कहते हैं द्रव्यमान में क्या होती है कुछ ना कुछ क्षति होती है तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान को जब हम no. न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से घटाते हैं तो वहां पर हम लोगों को द्रव्यमान में जो क्षति है वो हम लोगों को प्राप्त हो रही थी द्रव्यमान में जो क्षति है वो हम हम लोगों लोगों को को प्राप्त हुई इसके बाद आइंस्टीन से क्या मिला द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता मतलब कि किस तरीके से जो ऊर्जा जूल में होती है जो द्रव्यमान ग्राम या किलोग्राम में जो होता है उनका रिलेशन एक दूसरे से जूल में कैसे हुआ जूल को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करके देखा ठीक है और वहां पर हमने आगे चल के रिलेशन देखा ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है अब इस ऊर्जा को नाभिक की हम क्या कहते हैं बंधन ऊर्जा मतलब कि यहां पर जो हम ऊर्जा के बारे में समझा यहां पर जो हम लोगों ने ऊर्जा के बारे में समझा ना कि यहां पर जो है द्रव्यमान देखो यहां पर क्या हुई द्रव्यमान में क्षति हुई द्रव्यमान में कमी हुई जो किसके रूप में परिवर्तित हुई जो द्रव्यमान में यहां पर कमी हो रही है ये जो है ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है अब ये जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हुई तो यहां पर हमको रिलेशन मिला और ये जो के रूप में परिवर्तित हुई कहला रही है नाभिक की बंधन ऊर्जा कहला रही है, कहला रही है। और स्पष्ट है कि यदि नाभिक में उपस्थित सभी न्यूक्लियानों को हम क्या कर दे मुक्त करना चाहे तो नाभिक को इतनी ज्यादा बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्यों होगी क्योंकि भाई यहां पर भिकों में अगर उन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अगर हम उनको अलग करने की कोशिश करें तो आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रबल नाभिकीय बंध से बंधे हुए हैं अब जब वो बहुत ज्यादा प्रबल नाभिकीय बंध से बंधे हुए हैं तो उनको अलग करने के लिए ठीक है Uh, उनको मुक्त करने के लिए हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी ऑब्वियस सी बात है ठीक है तो यहां पर जो है हम बंधन ऊर्जा के बारे में समझ चुके हैं अब ये जो है परिभाषा है बंधन ऊर्जा की कि किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियानों को मिलाकर नाभिक बनाने में क्या होती है मुक्त होती है मतलब कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके नाभिक बनाते हैं यानी कि न्यूक्लियॉन बनाते हैं तो नाभिक और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर जब नाभिक बनाते हैं तो वहां पर क्या होती है कि जो है यहाँ पर जो द्रव्यमान की क्षति होती है जिसके वजह से वो द्रव्यमान का क्षय जो है ऊर्जा में बदलता है और वही ऊर्जा यहाँ पर बंधन ऊर्जा कहलाती है या दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है मतलब कि यहाँ पर जब मिल रही है तो वो ऊर्जा मुक्त हो रही है और जब हमको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नाभिक को नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करना है, तो वहां पर हमको वही ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी जब वो मिले तो ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ अब अगर उनको अलग करना है तो हमको वही ऊर्जा बाह्य ऊर्जा देनी पड़ेगी तो दोनों तरफ से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आप बंधन ऊर्जा को समझ सकते हो अब बंधन ऊर्जा जो है द्रव्यमान गुणा स्क्वायर मतलब कि ये जो द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध हम लोगों ने देखा ये जो द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध हम लोगों ने देखा यही क्या है बंधन ऊर्जा है जो सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है ठीक है ये बंधन ऊर्जा आपको मिल गया अब इसके आगे बंधन ऊर्जा में हम देखते हैं कि बंधन ऊर्जा में हम देखते हैं तो जैसे कि बंधन ऊर्जा जो है ए, डेल्टा एम और C का वर्ग यहां पर आपने देखा तो उसके पहले हमने डेल्टा M कैसे, कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने देखा था ठीक है डेल्टा M कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने देखा था सेम वही फार्मूला है देखो यहां पर हमने ऑलरेडी देखा इसको दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है यहां पर हमने ऑलरेडी देखा था इस फॉर्मूला को ही वहां पर उठाकर रख दिया गया है जो आपको मतलब इतना बड़ा देख करके थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये कहाँ से आ गया मैम तो बेटा ये वहीं से आया है जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले समझाया है यहाँ पर द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम की वैल्यू जो है लिख दी गई है और नुक्रीवा, 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 नुक्रीवा नुक्रीवा। नुक्रीवा, जो है प्रकाश की चाल के वर्ग से गुणा कर दिया गया है जो आपको बंधन ऊर्जा के रूप में प्राप्त हुई प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की हम जब बात करते हैं तो जो ऊर्जा है, है उसमें से अगर हम क्या करें द्रव्यमान संख्या का भाग दे तो हमको प्रति न्यूक्लियॉन मतलब की हर न्यूक्लियॉन नुक्री की प्रत्येक न्यूक्लियॉन की जो है बंधन ऊर्जा मिल पाएगी प्रत्येक न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा प्राप्त हो पाएगी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली और मेरे ख्याल से काफ़ी देर से हम पढ़ रहे हैं तो अभी हमको और भी चीज़ें पढ़नी है तो बने रहेंगे जुड़े रहेंगे मेरे साथ लेकिन हम लेंगे बिल्कुल क्विक शॉर्ट थर्टी सेकेंड का ब्रेक पानी वानी पी सकते हो और मैं भी पी लेती हूँ थोड़ा पानी हाँ भाई पी लिया पानी वानी चलो कोई नहीं आ जाओ आप लोग भी आ जाओ थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ आप लोगों का और बीच बीच में इस तरीके से अपने आप को हाइड्रेट करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लगातार पढ़ रहे होते हैं हमारा दिमाग चल रहा होता है बॉडी को जो है हाइड्रेट हाइड्रेट होने की बहुत ज्यादा ज़रूरत होती है तो बीच बीच में इस तरीके से आप कुछ खाते रहो पानी पीते रहो ठीक है तो ये सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ भी और आई होप कि जो भी हम लोगों ने अभी तक की डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो ये बंधन ऊर्जा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कैलकुलेशन इसकी थ्योरी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसका एक ग्राफ भी है जो आप आराम से देख सकते हैं और वहाँ पर बंधन ऊर्जा में स्टेबिलिटी की बात करी गई है जहाँ पर आयतन आयरन जो है वहाँ पर आयरन की जो बंधन ऊर्जा है आयरन तत्व की बंधन ऊर्जा आठ दशमलव आठ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि सबसे अधिक बंधन ऊर्जा होती है और सबसे अधिक स्टेबल जो तत्व होता है आवर्त सारणी का वो यही है अब इसके बाद जो आगे के तत्व है उनकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है और जब हम रेडियो एक्टिव तत्वों की बात करते हैं तो वो जो है बिल्कुल अनस्टेबल जो है पदार्थ होते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है डिस्कस किया है चलो भाई हाँ, वापस से आ जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारे इस क्लास को बढ़ते हैं आगे और हम अब बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ये काफी खूब सूरत सा यहाँ पर ये इमेज ये पिक्चर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ तो आया कुछ तो आया जिसने नाभिकों को यहाँ पर दो भागों में विभाजित कर दिया कुछ तो आया यहाँ पर धीरे धीरे आया मतलब हल्के हल्के कदमों से धीरे धीरे आया और यहाँ पर ये यह जो नाभिक है काफी भारी नाभिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ही ताकतवर बहुत ही मजबूत नाभिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसको यहाँ पर इसने जो है विभाजित कर दिया विभाजन के बाद तीन रेड कलर के डॉट भी आप देख पा रहे हो ठीक है तीन रेड कलर के डॉट्स आप भी देख पा रहे हो जैसे कि यह आप घटना जो यहां पर देख रहे हो उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी काफी महत्वपूर्ण है जब नाभिकी नाभिकों के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे तो दो घटनाएं हम पढ़ेंगे जिसको हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं क्या कहते हैं हम नाभिकीय नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या कहते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्शन ठीक है ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये दो तरह से होंगे ठीक है एक तो तोड़ेंगे देखो ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है इन शब्दों में इसलिए मैं आपको काफी आसान तरीके से यहां पर बता रही हूं एक तो तोड़ेंगे और एक तो जोड़ेंगे एक तो तोड़ेंगे एक तो जोड़ेंगे ठीक है तो जैसे कि हमने बंधन ऊर्जा की बात करी थी जब बाह्य ऊर्जा दी जाती है तो क्या होते हैं बाह्य ऊर्जा दी जाती है तो वो जो है अलग होते हैं और एक जो है जुड़ते हैं तो, है, तो है, जब जुड़ते हैं तो जुड़ते हैं तोड़ें जब जुड़ते हैं तो क्या कहते हैं जब तोड़ते हैं तो क्या कहते हैं जब टूटते हैं नाभिक जो है दो नाभिकों में टूटते हैं तो नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन विखंडन का मतलब है टूटना अलग होना अलग होना नाभिकीय विखंडन कहलाएगा जब जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएंगे नाभिकीय संलयन ठीक है जब जोड़ेंगे नाभिकीय संलयन कहलाएंगे दो नाभिकों को जोड़ना बहुत ही जो है आ, कहना चाहिए कि बहुत ही कठिन टास्क होता है नाभिकीय संलयन की घटना सूर्य में देखी जाती है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और ये बहुत ही मुश्किल घटना है जो कि करना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल जैसा होता है क्योंकि यहां पर जो है दस की घात सात दस की घात आठ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो उच्च ताप और उच्च दाब पर बहुत ही अधिक उच्च ताप और बहुत ही अधिक उच्च ताप पर आवश्यकता होती है नाभिकीय संलयन की तो नाभिकीय संलयन कराने के लिए जैसे आपने परमाणु बम या फिर आपने परमाणु बम यानी कि या फिर आपने हाइड्रोजन बम जैसी चीजों के बारे में जब आप लोगों ने सुना होगा ठीक है तो वो जब होंगे तो जो ताप उत्पन्न होगा जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उतनी अधिक ऊर्जा हमको नाभिकीय संलयन के लिए चाहिए तो अगर हम लोगों को प्रैक्टिकली नाभिकीय संलयन अगर यहाँ पर पृथ्वी में अगर कराना है तो उसके लिए परमाणु बम की आवश्यकता पड़ेगी तो भाई इतना खतरनाक चीज हमको करना नहीं है ठीक है पर ये जो है नेचुरली प्राकृतिक रूप से के अंदर जो है होती है सूर्य के अंदर जो है नाभिक दो नाभिक जुड़ते हैं दो नाभिक जुड़ करके जो है वहां पर भी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और आपको पहले ही पता है कि जो सूर्य का ताप है बहुत अधिक उच्च होता है वहां पर दाप भी बहुत ज्यादा अधिक होता है और उच्च ताप और उच्च दाप पर सूर्य के अंदर दो नाभिक जुड़ करके मिल जाते हैं यहां पर क्या होते हैं दो नाभिक जो है जुड़ दो हल्के नाभिक जुड़ करके भारी नाभिक बनाते हैं क्या बनाते हैं दो हल्के नाभिक जुड़ करके भारी नाभिक बनाते हैं तो वहां पर नाभिकीय संलयन होता है और यहां पर नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जो है एक भारी नाभिक एक भारी नाभिक टूट करके दो हल्के नाभिकों में विभाजित होता है एक भारी नाभिक टूट करके दो हल्के नाभिकों में विभाजित होता है तो यह कहलाता है नाभिकीय विखंडन जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लेंगे और कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं रखेंगे यहां पर जो आप डायग्राम देख पा रहे हो यहां पर इस डायग्राम में सबसे पहले हम नाभिकीय विखंडन पढ़ रहे हैं ठीक है तो मैं इरेज कर रही हूं। क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप मैं कर रही हूं और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, हाँ, तो यहाँ पर ये जो देख रहे है न्यूक्लियर है, है, तो है, है, रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर इस्तेमाल किया जा रहा है पर पर नाभिकीय विखंडन की जो है, की विखंडन ये नाभिकीय घटना है इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है इस कॉन्सेप्ट का विखंडन ठीक है इसका इस्तेमाल किया जाता है आप यहां पर देख रहे हो एक न्यूट्रॉन एक हल्का नाभिक आता है एक हल्का नाभिक आया और इस भारी नाभिक को जो है भारी नाभिक को जो है विभाजित करेगा अब ये भारी नाभिक जो है दो टुकड़े में जब टूटा तो यहाँ पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो ऊर्जा है वो उत्सर्जित हुई और ऊर्जा उत्सर्जन के साथ साथ यहां पर जो आप इसको दो दो अलग अलग नाभिकों में विभाजित होते हुए आपने देखा दो अलग अलग नाभिकों में विभाजित होने के साथ साथ ही यहां पर ये तीन न्यूट्रॉन्स आप देख रहे हो क्या देख रहे हो तीन न्यूट्रॉन्स आप देख रहे हो तो आपने देखा कि एक न्यूट्रॉन ने रेडियो एक्टिव पदार्थ को दो भागों में विभाजित करके तीन और न्यूट्रॉन दे दिए अब भाई जो एक न्यूट्रॉन कर रहा है वो तीन और न्यूट्रॉन दे दिए अब ये तीन न्यूट्रॉन अलग अलग फिर से क्या करेंगे इस भारी को दो में विभाजित करके फिर तीन और न्यूट्रॉन देंगे फिर ये दो विभाजित करके अगला क्या करेगा फिर तीन और न्यूट्रॉन देगा फिर तीन और न्यूट्रॉन देगा और ये लगातार आगे इसी तरीके से श्रृंखला बनती जाएगी जो कि मतलब की आ, अग, इसको आ, मतलब कि जो है नियंत्रित करना फिर आगे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो ये जो है नाभिकीय श्रृंखला आगे जो है बनाती है ये घटना नाभिकीय विखंडन कहलाती है अब इस नाभिकीय विखंडन की जो घटना में आप देख पा रहे हो एक हल्के न्यूट्रॉन छोटा सा एक न्यूट्रॉन बताओ एक छोटा सा न्यूट्रॉन इतना बड़ा चमत्कार आपको दिखा रहा है कि भारी नाभ भारी नाभिक को दो खंडों

इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछता है इसके रिलेटेड आपको जो है बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा पांच नंबर वाले क्वेश्चंस मिलेंगे और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वहां पर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं और इसका प्रैक्टिकल हम जो है एप्लीकेशन भी हम देखेंगे तो इसलिए अच्छे से समझना है कि जब भी किसी भारी नाभिक में देखो ये क्या है भारी नाभिक है भारी नाभिक में क्या करते हैं न्यूट्रॉन्स की बमबारी करी जाती है ठीक है न्यूट्रॉन्स की बमबारी करी जाती है मतलब एक छोटा सा न्यूट्रॉन यहां पर आया और ये एक छोटा सा न्यूट्रॉन जो है इस भारी नाभिक में आया और इस भारी नाभिक को क्या करा इसने दो हल्के नाभिकों में जो है तोड़ दिया अब ये जो हल्के नाभिकों में तोड़ रहा है तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये जो भारी नाभिक है यूरेनियम लिया यूरेनियम जो सबसे ज्यादा फेमस तत्व है रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम को हम लोगों ने लिया तो जब हम यूरेनियम को यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं तो यूरेनियम में जब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये यूरेनियम को दो भागों में जो विभाजित कर रहा है दो हल्के दो हल्के नाभिक में विभाजित करता है तो एक जो है बैरियम का नाभिक बन रहा है एक जो है क्रिप्टॉन का नाभिक बन रहा है और साथ ही साथ यहां पर तीन न्यूट्रॉन तीन न्यूट्रॉन भी जो है यहां पर प्राप्त हो रहे हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा एक नाभिकीय विखंडन में मिल रही है एक नाभिकीय विखंडन में मिल रही है और यहाँ पर जो है जब एक नाभिकीय विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिल रही है आप समझ सकते हो कि जो है सारा चीज ऊर्जा का खेल है विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा दुनिया भर की ऊर्जा और अगर नाभिकीय विखंडन के इस छोटे से प्रोसेस में इतनी ज्यादा मात्रा में अगर हमको ऊर्जा प्राप्त हो सकती है तो इस ऊर्जा का हम जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है इसका उपयोग हम कर सकते हैं अपने जिंदगी में उपयोग में विद्युत ऊर्जा उत्पाद में या किसी तरह से ऊर्जा के जहां आवश्यकता हो वहां पर हम इस ऊर्जा का रूपांतरण करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं जिसके आधार पर नाभिकीय रिएक्टर बना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आप लोगों ने सुने हैं जो काफी जो है वहां पर मतलब कि वैसे तो उस प्लांट को निर्माण करने में शुरुआत में काफी ज्यादा मुश्किल और खर्च होता है लेकिन अब जब इस तरह से वहां पर क्या कहना चाहिए कि कंट्रोल में कंट्रोल में रख करके जो श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया तीन न्यूट्रॉन अगला तीन करेगा वो तीन या नौ करेगा फिर नौ नौ इक्यासी करेगा तो आप समझ पा रहे हो कि कितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर न्यूट्रॉन और एनर्जी का उत्सर्जन होगा जो संभले ना संभले संभले नहीं संभलेगा ठीक है तो उसको संभालने के लिए यहाँ पर जो है हमको करना क्या पड़ता है कि इस नाभिकीय विखंडन से जो तीन न्यूट्रॉन्स हमको प्राप्त हो रहे हैं तो दो न्यूट्रॉन्स को हमको खत्म करना पड़ता है तो इनको खत्म करने के लिए हम यहाँ पर कुछ सेटअप जमा देंगे और एक न्यूट्रॉन ही आगे बढ़ेगा तो फिर वो अगेन जाएगा तो दो सौ मेगा इलेक्ट्रॉन वो ऊर्जा ऊर्जा

रेडियो एक्टिव विकिरण अल्फा बीटा गामा किरण निकल रहा था अपने आप विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर निकल रहा था उसके बारे में समझा था लेकिन अभी हम लोगों ने नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में नाभिकीय विखंडन के बारे में देखा तो किसमें अंतर क्या है तो भाई सिंपल सी बात है जो पहले पढ़ा वो क्या हो रही थी स्वतः ही घटित हो रही थी और यहाँ पर स्वतः ही घटित नहीं हो रही है यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की क्या करी गई बमबारी करी गई क्या करी गई न्यूट्रॉन्स की बमबारी करी गई जो पहले हमने रेडियो एक्टिव विघटन देखा था वहां पर अल्फा बीटा गामा कण निकल रहे थे और यहां पर जो हमने देखा यहां पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी से क्या हो रहा है हल्के नाभिक में टूट टू रहा है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो रही है ठीक है तो डिफरेंस है काफी डिफरेंस है और यहां पर आ, रेडियो एक्टिव ने नाभिकों का जो परमाणु क्रमांक है केवल एक या दो का ही अंतर है परमाणु क्रमांक में थोड़ा ही अंतर है नाभिक के परमाणु क्रमांक में रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक के परमाणु क्रमांक में एक या दो का ही अंतर है मतलब कि जो परमाणु क्रमांक की बात करी जा रही है ठीक है तथा द्रव्यमान संख्या में जीरो से चार का परिवर्तन हो सकता है जबकि नाभिकीय विखंडन में जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों लगभग बराबर बढ़ जाते हैं मतलब बात करी जा रही है अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि वहां पर जो अल्फा बीटा किरण गामा किरण निकल रही थी तो वहां पर जो है ज्यादा अंतर नहीं Uh, मतलब कि अलग बात थी अब यहां पर जो है बट रहा है बढ़ रहा है तो देखो यहाँ पर छप्पन और एक सौ चवालीस छत्तीस और नवासी आप एक सौ चवालीस माइनस छप्पन करके यहाँ पर जो है ये परमाणु क्रमांक हो गया ये आपकी द्रव्यमान संख्या हो गई न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को आप कंपेयर करोगे ठीक है न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को आप कंपेयर करोगे तो लगभग जो है आ, आसपास है लगभग आसपास है इसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है तो दोनों में काफी डिफरेंस है अब यहाँ पर रेडियो एक्टिव विघटन की जो प्रक्रिया है वो नियंत्रित नहीं की जा सकती है जबकि जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया लोगों ने देखा कि यहाँ पर श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ रही है उसके बावजूद श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ने के बावजूद इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं मतलब कि जो श्रृंखला अभिक्रिया हो रही थी श्रृंखला निकल रही थी उसको नियंत्रित किया जा सकता है है अवशोषित कर लिया जाता है। पर जो तीन न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना उसमें से दो को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है अवशोषित कर लिया जाता है ताकि आगे चल के बहुत ज्यादा श्रृंखला अभिक्रिया ना बढ़ जाए इसलिए यहां पर श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर लिया जाता है कंट्रोल कर लिया जाता है न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर

तो जो हमारे आ, मतलब हमारा एरिया है जहां पर लोग रहते हैं उससे काफी दूर ऐसा एरिया आ, जैसे मान लो कि रेगिस्तान का कोई ऐसा एरिया हो जहां दूर दूर तक के लोग ना रहते मतलब कि अगर कोई दुर्घटना हो तो उस दुर्घटना की वजह से एक आ, मतलब कि जनहन को मतलब कि जो जनता है उसको हानि ना पहुंचे इसके लिए काफी दूर में जो है ये सिस्टम सेटअप किया तो जाता है जहां पर नाभिकीय विखंडन के कॉन्सेप्ट को ही यहां पर इस्तेमाल किया जाता है और ये कहलाता है नाभिकीय रिएक्टर क्या कहलाता है ये नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है और इस नाभिकीय रिएक्टर के बारे में हमको पढ़ना है डिटेल में एंड पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित यह युक्ति है रचनात्मक कार्यो के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है नाभिक रिएक्टर कहलाती है क्या कहलाती है नाभिकीय रिएक्टर कहलाती है ठीक है अब ये नाभिकीय रिएक्टर में होता क्या है तो जो आपने विखंडन की घटना देखी जो जो आपने यूरेनियम यूरेनियम के बारे में देखा यूरेनियम 92 और 235 जो है ये इसका परमाणु क्रमांक किसकी द्रव्यमान संख्या ये यूरेनियम तत्व जो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है इस पदार्थ का जो है इस्तेमाल किया जाता है और भी पदार्थ है यूरेनियम के अलावा प्लूटोनियम या थोरियम पदार्थ है उनका भी हम नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर क्या करता है एक छोटा सा न्यूट्रॉन इन भारी नाभिकों को जो है विखंडित करता है अलग करता है जिसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और यहां पर जो है इसकी संरचना चित्र आपको दिखाई गई है कि किस तरीके से जो है इस यूरेनियम तत्व की जो छड़े हैं वो जो है यूरेनियम तत्व की जो छड़े हैं ये जो नाभिकीय रिएक्टर मैंने आपको दिखाया इसके अंदर ये सेटअप जमाया जाता है ये सेटअप जमाया जाता है इसके कौन कौन से भाग होते हैं इसको हम डिटेल पर देखेंगे तो उससे पहले हम सिद्धांत देख लेते हैं तो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत है और यहाँ पर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के साथ साथ न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करके इस यहाँ पर श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखा जाता है तो आपको श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है ये भी पूछ सकता है तो आप जो है नाभिकीय विखंडन को एक्सप्लेन करके वहां पर जो तीन न्यूट्रॉन्स के बाद अगेन नाइन फिर एटी वन इस तरीके से न्यूट्रॉन्स निकलते जाएंगे तो वो श्रृंखला आप समझा सकते हो इस पॉइंट ऑफ से भी आपको एग्जाम की की तो में पूछ ठीक है, जो अब अगली के लिए काम आती है। तो यहाँ पर उसी को हम नियंत्रित श्रृंखला कह रहे हैं और नियंत्रित श्रृंखलाभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन पर आधारित नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत होता है क्या होता है कि जब इस न्यूट्रॉन पर सॉरी uh, इस रेडियो uh, एक्टिव पदार्थ पर जो है मंद गति से धीरे धीरे न्यूट्रॉन आता है बमबारी की जाती है तो वहां पर नाभिकीय विखंडन होता है तो होता क्या है कि इसका जो नाभिक है उत्सर्जित हो जाता है और तीन न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है ये जो है नाभिकय जो है विखंडित हो जाता है दो भागों में विखंडित हो जाता है और क्या उत्सर्जित करता है तो और जो है तीन न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है और ये क्रिया लगातार चलती रहती है और यहाँ पर एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब अप्रॉक्सिमेट दो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा उत्सर्जित करी जाती है तो सेम के विखंडन को ही यहां पर बताया जा रहा है लेकिन नियंत्रित श्रृंखला के द्वारा नियंत्रित श्रृंखला और यही सिद्धांत है।, तो है बस यहां पर जो है श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करके ऑन कर दिया गया है और इनके डिफरेंट पार्ट की हम बात करें तो सबसे पहले नाभिकीय ईंधन के रूप में हम यूरोनियम या फिर प्लोटेनियम का हम इस्तेमाल करते हैं

के बाद मंदक की बात करते हैं तो मंदक जो है न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए जो है काम में आती है और मंद करने के लिए हम किस तत्व का इस्तेमाल करते हैं तो भारी तत्व ग्रेफाइट या फिर बैरिलियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको जो है हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये आपको मिल सकता है क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में कि जो नाभिकीय रिएक्टर है वहां पर मंदक के रूप में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है मंदक म, हम लोग मंद गति मंदक किस चीज का किस किस को स्लो करते हैं मंदक मतलब कि यहां पर स्लो करने से है, so, हम की गति को, so, को, को स्लो करने के लिए इस्तेमाल किस चीज का किया जाता है तो भारी जल ग्रेफाइट या बैरिलियम तो ऑप्शनल क्वेश्चन में ये जरूर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है नियंत्रक की बात करते हैं तो नियंत्रक का मतलब यह है कि जो न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करता है तीन न्यूट्रॉन्स निकले तो उसमें से दो को अवशोषित कर लेगा और एक फिर आगे बढ़ेगा तो नियंत्रक के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं तो विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए हम कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं जो न्यूट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं तो जैसे तीन न्यूट्रॉन्स उत्सर्जित हुए तो उसमें से दो को क्या कर लेगा अवशोषित कर लेगा और एक जो है आगे बढ़ के क्रिया करेगा तो इससे क्या हो जाती है नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया है वह कंट्रोल में आ जाती है और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमको कितना अवशोषित करना है कितना कम करना है इसको जो है हम आ, मतलब कि इसको अंदर या बाहर खिसकाकर हम विखंडन की दर को क्या कर सकते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं हो सकता है शीतलक का कार्य क्या है जब नाभिकीय विखंडन होता है उसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है तो ठीक है अब अब यह उष्मा जो उत्पन्न हो रही है ठीक है तो जिसे हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं uh, मतलब कि इस उष्मा को अत्यधिक उष्मा को कंट्रोल करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड वायु

इस यहाँ से ऊष्मा निकली एनर्जी निकली एनर्जी को क्या कर दिया भाप के रूप में बदल दिया और भाप के रूप में बदलने के बाद जो है टर्बाइंस जो होते हैं टर्बाइंस की सहायता से जो है वहाँ पर जनरेटर्स को घुमाया जाता है जनरेटर्स की कॉल को घुमाया जाता है और वहाँ से क्या करी जाती है विद्युत ऊर्जा जो है उत्पन्न करी जाती है क्या उत्पन्न करी जाती है विद्युत ऊर्जा जो है उत्पन्न करी जाती है और इस तरह की जो मतलब सिस्टम होती है उसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं परिरक्षक परिरक्षक का मतलब रिएक्टर के कुछ ऐसे तीव्र विकिरण भी होते हैं ठीक है जिससे क्या हो जाए कि जो वहाँ पर लोग उपस्थित हैं या भले ही हम उसको काफ़ी दूर में स्थापित कर रहे हैं पर हो सकता है कि आसपास के कोई जीव या तत्व हो उनको नुकसान पहुँच सकता है इस नाभिकीय विकिरणन से कुछ ऐसे विकिरण निकले है ना कुछ ऐसे किरणें निकले उन किरणों के कारण उनका जो है नुकसान ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसको भी हम अवशोषित कर लेंगे ठीक है उसको भी हम अवशोषित कर लेंगे और रक्षा करने के लिए हम क्या हैं बहुत ज्यादा मजबूत कॉन्क्रीट की मोटी दीवारें हम बना लेंगे तो वैसे आपने ये जो डायग्राम आपने देखा था ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि काफी मोटी दीवारें आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है तो यही क्या है ये दीवारें जो है परिरक्षक का कार्य करती है किसका कार्य करती है परिरक्षक का कार्य करती है रक्षा करने के लिए कार्य करती है तो ये पांच इसके भाग है इतना ही है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी संरचना हम देख चुके हैं वैसे दोबारा देख लेते हैं यहां पर यूरेन

और ग्रेफाइट जो है किसके रूप में मंदक के रूप में देखो क्वेश्चन आता है और मंदक और नियंत्रक में जनरली कंफ्यूजन होता है कि मंदक में कैडमियम है कि नियंत्रक में ग्रेफाइट है है कि कि नियंत्रक में कैडमियम मंदक में ग्रेफाइट है तो ये कंफ्यूजन हमेशा होता है और ये क्वेश्चन आता है इसलिए इसको जो है दिमाग में छाप लेना है संरचना को एक्सप्लेन करना है जो आपको मैंने बताया वही सारी चीजें जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई है और यहां पर जो है तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन के रूप में उत्सर्जन के बारे में बताया गया है ठीक है जो ऑलरेडी मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है अर्ध आयु आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर यूरेनियम प्लूटोनियम या नेपचियन जो भी तत्व यहां पर ईंधन के रूप में अगर इस्तेमाल किए जाए नाभिकीय रिएक्टर में तो वहां पर जो है वहां पर जो है इनकी अर्ध आयु कैलकुलेट की जा सकती है वैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग क्या है ठीक ठीक है 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 उपयोग क्या इसके बारे में हम बात कर रहे हैं हैं तो देख लेते हैं सबसे पहला उपयोग तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का जो उत्सर्जन होता है उसके लिए हम न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए नाभिकीय रिएक्टर्स का हम उपयोग कर सकते हैं रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन यूरेनियम के विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने में भाग नहीं लेते है ना श्रृंखला अभिक्रिया भा, मतलब श्रृंखला को हम वहां पे नियंत्रित कर देते हैं ठीक है थीके? लेकिन जब हम U38 देखो अब ये समस्थानिक है किसका यूरेनियम का समस्थानिक है ठीक है अब वो क्या करते हैं समस्थानिकों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और एक भारी आइसोटोप बनाती है अत्यंत अस्थाई अर्ध आयु यहां पर बताई गई है तेईस मिनट की होती है और यहां पर जो है अल्फा कण कर, उत्सर्जित करके किसमें बदल जाती है तो दूसरे तत्व में यहाँ पर बदल जाएगी किरण उत्सर्जित करने के बाद वो रेडियो एक्टिव तत्व ही बदल जाएगा दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाएगा इसकी अर्धायु भी बताई गई है और अगर ये नैपचूनियम नाप्चु, अगर बीटा कण फिर अगेन उत्सर्जित करेगा तो वो किस में बदल जाएगा प्लूटोनियम में बदल जाएगा तो यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव तत्व को भी रूपांतरित किया जा रहा है इस तरीके से नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग से अगला पढ़ेंगे तीव्र ग्रामीण न्यूट्रॉनों का उत्स उत्सर्जन में नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन से तीव्रगामी न्यूट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं जिन्हें हम किरण पुंज के रूप में प्राप्त करते हैं और इन तत्वों का नाभिकीय कृत्रिम नाभिकीय विघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इन उत्सर्जन का जो है हम नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग हम तीव्रगामी न्यूट्रॉन्स के उत्सर्जन के लिए मतलब न्यूट्रॉन्स वहां से हम प्राप्त कर पाते हैं रेडियो आइसोटोप उत, आ, उत्पादन वैसे आप ये थ्योरीज जो है ना पढ़ सकते हो देखो पढ़ सकते हो बहुत ज्यादा मतलब इसमें घुसने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपके नॉलेज के लिए मैं ले आई थी ऊर्जा उत्पत्ति के लिए हम नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तो सबसे ज्यादा इस चीज़ के लिए जो है उपयोग किया जाता है और वैज्ञानिक खोजों में चिकित्सा में साइंटिस्ट लोग जो है इसका अपना कुछ ना कुछ आगे खोजते रहने के लिए जो है इन जो घटनाएं हैं उनका इस्तेमाल करते हैं पर मेन उपयोग तो ये है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है आपका होता है बाकी थ्योरीज आप देख लेना पढ़ लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हो और होती हूं मैं साइड स्क्रीनशॉट लेने के लिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर हाँ, अब आगे जो है हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन की घटना तो ये दूसरी नाभिकीय अभिक्रिया की दूसरी घटना है जिसमें यहाँ पर दो हल्के नाभिक हाँ जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो दो हल्के नाभिक यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के ही दो समस्थानिक आप देख रहे हो एक ड्यूट्रॉन एक ट्राइट्रॉन दो समस्थानिक देखो हमने हा, हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़े थे ठीक है हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक हमने पढ़े थे तो हाइड्रोजन के हमने तीन समस्थानिक पढ़े ठीक है

संलयन की घटना कहलाती है क्या कहलाती है नाभिकीय संलयन की घटना एंड आई होप हो आपको आसान शब्दों में, के हूं। और बहुत शब्दों में मैं मैं बता रही हूं यहां पर जोड़ने का कार्य हो रहा है दो हल्के नाभिकों को एक भारी नाभिक में जोड़ने का कार्य उच्च ताप और उच्च दाब पर होता है और इतना अधिक उच्च ताप और उच्च दाब जो है यहां पर प्राप्त करना परमाणु बम या हाइड्रोजन बम की सहायता से ही संभव है इसलिए प्राकृतिक रूप में ये घटना सूर्य पे ही होती है तो सूर्य के में होने वाली घटना को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये आप समझ सकते हो। काफी अधिक उच्च ऊर्जा की उपस्थिति में आते हैं और एक भारी नाभिक बनाते हैं कैसा नाभिक बनाएंगे एक भारी नाभिक बनाएंगे ये घटना नाभिकीय संलयन की घटना कहलाती है और इस घटना में बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है देखो यहां पर देखो पर बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता उच्च ताप और उच्च ताप पर ऊर्जा की हाई ऊर्जा की आवश्यकता है हमको और उससे भी कहीं मात्रा में अत्यधिक ऊर्जा जो है यहां पर मुक्त होगी जब वो अभिक्रिया होगी ठीक है तो प्राप्त नाभिकीय संलयन से प्राप्त नाभिक द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिक के द्रव्यमानों के योग से क्या होता है कम होता है मतलब कि जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा था तो यहाँ पर जो है ये वाला समस्थानिक और ये वाला समस्थानिक जब मिल रहा था मिल करके ये हीलियम का नाभिक बना रहा था हीलियम का नाभिक जब बना रहा था ये टू और फोर तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये वन और वन टू हो गया पर टू और थ्री फाइव होना चाहिए लेकिन यहाँ पर हमको फोर प्राप्त हो रहा है इसका मतलब जो है यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर द्रव्यमानों के योग से पांच होना चाहिए लेकिन हमको चार मिला मतलब कि कि थोड़ा कम मिला मतलब कि यहाँ पर क्या हुई ऊर्जा के रूप में क्षति हुई द्रव्यमान क्षति के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान क्षति से ही हम यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया ठीक है तो जैसे अब ये जो है मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया आपको ठीक है तो एक एक मैंने हाइड्रोजन का आ, ये ड्यूट्रियम समस्थानिक लिया और एक टाइट्रियम ठीक है आप दूसरे समस्थानिक भी ले सकते हो जैसे यहां पर जो पहला वाला समस्थानिक है उसकी चार मात्रा को मिला करके दो हीलियम के अनाभिक बन रहे हैं ठीक है चार आ, मतलब चार हाइड्रोजन पहले पह, हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है वन और वन का चार नाभिक मिलकर के दो हीलियम के नाभिक बना रहे हैं जहां पर जो है दो पॉजिट्रॉन और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है यहां पर उत्सर्जित कर रहे हैं जिसका डायग्राम आपको ये दिखाया गया है दूसरे समस्थानिक मिलकर के यहां पर जो है एक हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक और पहला समस्थानिक बना रहे हैं और यहां पर जो है इतनी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं लेकिन अगली बार जब ये हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक इस दूसरे समस्थानिक से जब मिलेगा तो जो ये मैंने आपको घटना यहां पर दिखाई थी, है ना तीसरे और दूसरे समस्थानिक से तीसरे और दूसरे समस्थानिक से जो घटना आपको बताई थी जो आपको यहाँ पर हीलियम के नाभिक के रूप में प्राप्त होगा एंड अगेन यहाँ पर दूसरा दो समस्थानिक अगर हम लेंगे तो वहां पर भी प्राप्त होगा तो विभिन्न समस्थानिक समस्थानिकों के संयोग से यहाँ पर बन सकता है ऊर्जा की मात्रा भी यहाँ पर बताई गई है ठीक है ये हमने नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ा सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है और ये आप स्क्रीन फटाफट से ले सकते हैं पढ़ सकते हैं क्योंकि सारा कुछ एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए आप क्विक स्क्रीनशॉट लेंगे और एक बार खुद से इसको रीड करेंगे आपको जो है दोनों के बीच में जो है इस तरीके से रिलेशन या फिर डिफरेंस आपको पूछ सकता है तो आपको जरूर इस चीज को नोट करना है ठीक है जरूर इस चीज़ को नोट करना है आगे हम यहाँ पर परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बीच का ये जो डिफरेंस है ये भी हम नोट कर सकते हैं इसका डिस्कशन हम कर लेंगे कर लेंगे क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं पर फिर भी मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए मैं जो है ये ले आई क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मतलब एग्जिस्ट करता है और ये परमाणु बम ये हाइड्रोजन बम दिखता कैसे है ये हम पहले देख लेते हैं तो ये मैं आपको जो है दिखा रही हूँ किसके बारे में दिखा रही हूँ ये मैं आपको जो है परमाणु बम के बारे में दिखा रही हूँ परमाणु बम जो है जब एक्सप्लोजन मतलब इसका एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किया जाता है ऐसे दूर दराज जगहों पे जहाँ पर सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक के कोई भी जो है इंसान ना रहता हो ऐसे जगहों पर जो है समुन्द्र के बीच में या कुछ दूर दराज जगहों पर परमाणु बम का जो परीक्षण है वो किया जाता है और परमाणु बम देखने में इस तरह से दिखता है और हाइड्रोजन बम की बात करें तो ये जो चित्र मैं लेकर के आई हूँ ये जो है हाइड्रोजन बॉम्ब का चित्र काफी खतरनाक जो है आपको दिख रहा होगा एक्सप्लोजन जो होता है इस तरीके से भयानक रूप से जो है बहुत ज्यादा मतलब कि खतरनाक है लेकिन सभी देश जो है अपने अपने आ, क्या कहना चाहिए अपने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए सब ये जो है अपने साथ रखे हुए हैं ताकि वो पावर को शो करता है तो आपको पता है कि हमारे भारत के पास भी काफी सारे इस तरीके के जो है है सुरक्षा के की नजर से भाई कि हाँ मतलब डरे होने चाहिए लोग हमसे कोई हमसे टक्कर लेने की हिम्मत ना करे क्योंकि भाई मतलब सामने वाला पावर दिखाएगा तो हमको भी पावर दिखाने के लिए मतलब हमारे पास पावर तो होनी चाहिए ठीक है तो इसलिए जो है चीजें आपको समझ में आनी चाहिए आपको पढ़नी चाहिए अब यहां पर समझना है आपको कि जो परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन जो हमने पढ़ा इसके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड कर रहा है और ये हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड कर रहा है इसका मतलब जो है हाइड्रोजन बम बनाना काफी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत अधिक उच्च मात्रा की आवश्यकता होती है अप्रोक्सीमेट दस की घाट सात या दस की घाट आठ दस की घात आठ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा है ये जो कि सूर्य में पाई जाती है ठीक है लेकिन यहाँ पर इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी तो यहाँ पर जो है ये संभव है और जो है ये देखा जा सकता है यहाँ पर उच्च ताप और दाब की आवश्यकता नहीं होती है और ये नाभिकीय संलयन पर निर्भर नहीं करती है पर यह जो है नाभिकीय विखंडन पर निर्भर करता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमको नाभिकीय संलयन की घटना अगर हमको मतलब परिरक्षण पर उसका हमको परीक्षण वगैरह करना है तो उसके लिए हमको नाभिकीय विखंडन विखंडन चाहिए क्या चाहिए क्या नाभिकीय नाभिकीय से 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 जो जो ऊर्जा प्राप्त प्राप्त होती है है और जो उच्च ताप और उच्च उच्च ताप दाब होता है, उसी से कृत्रिम रूप संलयन की घटना संभव हो पाएगी इसीलिए तो आपने देखा ना कितना खतरनाक था हाइड्रोजन बम परमाणु हमसे ज्यादा खतरनाक है ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली बात है तो हमको यहाँ पर जो है नाभिकीय विखंडन की आवश्यकता होगी तो ये नाभिकीय विखंडन पर निर्भर कर सकता है क्योंकि ये अति उच्च ऊर्जा उच्च ताप और उच्च दाब जो है हमको विखंडन से ही संभव हो पाएगा ठीक है तो हाइड्रोजन बम की तुलना पे यहां पर कम ऊर्जा प्राप्त होगी किसमें परमाणु बम पे और ऑब्वियस बात है यार इतनी उच्च ऊर्जा तो इसको शुरू करने के लिए चाहिए तो खत्म होगी तो कितनी ऊर्जा के साथ खत्म होगी तो बहुत अधिक ऊर्जा के साथ खत्म होगी ठीक है और परमाणु बम क्रांतिक आकार बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर आ, क्रांतिक आकार की कोई सीमा ही नहीं होती मतलब क्रांतिक आकार की बात करें तो जो इस डायग्राम में आप देख रहे हो ना ये एक आकार जो बन रहा है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसमें तो कोई सीमा ही नहीं है फिर ये तो खतरनाक रूप से एक्सप्लो एक्सप्लोजन यहाँ पर जो है हो रहा है आप देख पा रहे हो कोई सीमा नहीं है असीमित रूप से जो है यहाँ पर जो है आ, इसके क्रांतिक आकार आपको दिखाई दे पा रहे हैं ठीक तो है तो काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं ये और जो नाभिकीय संलयन की घटना जो है सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का स्त्रोत है नाभिकीय संलयन की घटना जो हम लोगों ने पढ़ी ये जो है यहाँ पर सूर्य या फिर किसी तारों में जो है पाई जाती है जहां पर अति उच्च ताप दस की घात सात कैलविन और अति उच्च ताप ताप जो है वहां पर होता है और अच्छा तो यहाँ पर एक बार चीज एक चीज आप करेक्ट कर लेंगे जो मैं आपको दस की घात सात या दस की घात आठ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रही थी बेटा प्लीज आप उसको करेक्ट कर लेना कि वो ताप की बात हम कर रहे थे अति उच्च ताप की आवश्यकता पड़ेगी जो कि जो है अति उच्च ताप 10 की घात 7 या 10 की घात 8 कैल्विन मात्रा का जो अचियुत्तित अचियु अति उच्च ताप जो है सूर्य या फिर तारों में जो है संभव है उनके आंतरिक भाग में इतनी ऊर्जा हो पाती है इसी वजह से वहां पर क्या होता है ये हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक मिलकर के क्या बनाते है? बनाते हैं हैं हीलियम जिससे उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और वो ऊर्जा का सूर्य ऊर्जा का स्त्रोत हमारे तक पृथ्वी तक पहुंच पाता है तो मतलब अति उच्च ताप पर यह पहला आवर्त सारणी का पहला तत्व आपका इतनी खतरनाक ऊर्जा सूर्य को Uh, सूर्य में उत्पन्न करता है जो पृथ्वी तक पहुंच करके हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बन पाता है ठीक है तो यहाँ पर ऊर्जा uh, आपको बताई जा रही है नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि कितनी एनर्जी यहाँ पर दी जाती है इसका कैलकुलेशन चाहो तो आप देख सकते हो पर जरूरत नहीं है तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी और मैंने आपको जो है इस चैप्टर की लगभग सारी चीजें जो है आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही डिटेल में चर्चा करते हुए सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी सारा कुछ समझा दिया है एंड उम्मीद करती कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा अब आपको बहुत मजा आया होगा कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या कोई भी डाउट आपको इस वीडियो लिंक आपको अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है ये वन शॉर्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा काम आने वाला है इसको आप एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं कई बार आप जब भी रिविजन करना चाहे तो इस वन शॉर्ट को बार बार जरूर देख सकते हैं और अगले सेशन में आप किस टॉपिक पर जो है सेशन आपको चाहिए वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे और हम लगातार इसी तरह से आपके लिए बहुत सारे अच्छे सेशन जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे वो लेकर के आते रहेंगे और इसी के साथ में आप सभी बच्चों से विदा लेना चाहूंगी मिलते हैं हम अपने में। और तब तक के लिए बाय बच्चों